नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मैं हूं पूजा त्रिपाठी। और अब अगले डेढ़ घंटे में आपको बताएंगे कि मार्केट में किस तरह का एक्शन या क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन देखिए खत्म होते होते जब हम आज दिन के खत्म होने के अंत में है तो निफ्टी लाल निशान में आ चुका है। सुबह अच्छी तेजी थी लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में आ चुका है। एक्सपायरी कल का दिन एक्सपायरी का है और उसके पहले देखिए कमजोरी हावी आ चुकी है। निफ्टी दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, लाल निशान में इस वक्त आ चुका है। तो पहले बाजार की जो पांच बड़ी बातें हैं उन्हीं के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ऊपरी स्तरों से आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 11,450 के भी नीचे अब आपको नजर आएगा, लाल निशान में तो है ही है। और सेंसेक्स में भी करीब करीब 50 पॉइंट के आसपास ही गिरावट है, निफ्टी वो देखने को मिल रहे हैं। आज जो गिरावट है उसमें एफएमसीजी, ऑटो और मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली का दबाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। खरीदारी कहाँ पे है? आईटी और फार्मा शेयर, यहाँ से जरूर थोड़ी सी जो मदद है वो मार्केट में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से रुपये में जरूर हल्की रिकवरी है, रुपया 71.60 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पे फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो आज देखिए जैसे जैसे मार्केट में हम देख रहे थे खरीदारी आ रही थी, रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा था और आज मार्केट ऊपरी स्तरों से फिसला है तो रुपया निचले स्तरों से सुधरता हुआ दिखा है। तो एक विपरीत चाल जो आप देखिए रुपये और मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिले, लेकिन हायर लेवल से आप देखें तो गिरावट फिलहाल देखिए तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 11,481 ये आज का हाई है और 11,426 के आसपास फिलहाल मार्केट में जो एक्शन है वो ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। 11,411 ये हमने लो बनाया आज के सेशन में, वहाँ से 15 पॉइंट ऊपर जरूर नजर आएंगे लेकिन फिर भी आप देखिए ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 45 पॉइंट के आसपास ही जो गिरावट है वो अभी भी निफ्टी पे नजर आएगी। दिन के निचले स्तरों के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा है, आगे कैसे रणनीति होगी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इवेंट्स कौन से हैं आज और कल में ये बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप, सबसे पहले आज के ट्रिगर्स पर नज़र डाल लेते हैं। आज एंड ऑफ द डे बंधन बैंक MSCI इंडेक्स में शामिल होगा तो वहाँ पर फोकस रखना होगा। इसके अलावा कुछ कंपनियों के नतीजे आएंगे, FNO स्पेस से जुड़ी माइंडट्री लिमिटेड ये अपने नतीजे जारी करेगी। ये रहे आज के ट्रिगर्स, कल के ट्रिगर्स देख लेते हैं। यहाँ पर बंधन बैंक और ग्रो फाइनेंस की जो रिकॉर्ड डेट है, इसके अलावा DHFL की बोर्ड बैठक है जहां पर पहली तिमाही के नतीजों पर चर्चा होगी। इन्होंने अभी तक जो Q1 FY20 के रिजल्ट्स पास नहीं किए हैं, कुछ और नतीजे भी हैं। निफ्टी की कंपनी जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आएंगे, FNO स्पेस से TVS मोटर्स और PVR लिमिटेड अपने नतीजे जारी करेंगी। 18 अक्टूबर यानी परसों के ट्रिगर्स देख लेते हैं। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। NIT टेक के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है, आपको बता दूं कि 125 के भाव पर 2,68,00,000 शेयरों का बायबैक करने जा रही है कंपनी। कुछ नतीजे भी हैं, 18 तारीख को निफ्टी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, FNO स्पेस से अंबुजा सीमेंट्स और L&T फाइनेंस के नतीजे आएंगे। नतीजों पर भी फोकस रहेगा और MPC के मिनट्स जारी होंगे, उसमें भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो इन सब इवेंट्स पर हमारी नज़र रहेगी। अगले हफ्ते का हम देखेंगे काफ़ी सारे जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियाँ हैं उनके नतीजे काफ़ी सारे आ रहे हैं और 18 अक्टूबर बड़ा दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपने नतीजे घोषित कर रहा है तो वहाँ पर भी नजर रहेगी। चलिए अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं। राकेश बंसल, कुरान सरावगी, संदीप वागले, सेमी भौमिक और किरण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में विजय चोपड़ा जी भी थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका ही बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना। सबसे पहले संदीप जी आपसे समझना चाहेंगे जो मार्केट का मूवमेंट है इस वक्त इसको कैसे देख रहे हैं आप? कल एक्सपायरी भी है और उसके पहले देखिए शुरुआत तो हमने काफ़ी अच्छी की थी लेकिन इस वक्त दिन के निचले स्तर पर आ चुके हैं। ब्रॉडर इंडेक्स में भी हम देखेंगे तो कमजोरी ही हावी देखी जा रही है। तो आप आखिरी कुछ घंटे के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट में? पूजा ये सवाल मेरे से है जी। जी वागले जी आपसे। हाँ जी मैं समझता हूँ ये प्रॉफिट बुकिंग है और अगर 11,400 के नीचे सस्टेन होता है, अभी 20 पॉइंट ऊपर है उससे, तो मैं ये कहूंगा कि और एक 70-80-100 पॉइंट जा सकता है। बट ये एक सपोर्ट एरिया है, 11,480 ये रेंज मैं पकड़ के चल रहा हूँ और मुझे दिख रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग है। ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक आप बेच सकते हो, स्टॉक स्पेसिफिक आप दोनों साइड प्ले कर सकते हो। किरण जी स्वागत है आपका, आप कैसे देख रहे हैं आज की जो गिरावट है ऊपरी स्तर से हम जो फिसले हैं, क्या ये चिंता की बात है या आप भी वागले जी की तरह सिर्फ इसे मुनाफा वसूली समझ रहे हैं? अभी के लिए तो मुनाफा वसूली समझना चाहिए। देखिए 11,500 एक बहुत बड़ा वीकली और मंथली में काफी राइटिंग देखने को मिल रही थी और सॉरी
और जब हम ऊपर चल रहे थे 2 दिन पहले तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल 11,400-11,420 था, 2 बार टेस्ट कर चुका था, फेल हो गया था, फिर कल इसने एक बार इसके ऊपर चलते हुए हमने देखा और फिर वन वे रैली हमें देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि 11,420 11,400 बहुत अच्छा बेस है इस मार्केट के लिए। अगर ये निकलता है तो काफी बड़ी लॉन्ग पोजिशन अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, और जो वागले जी कह रहे हैं तो 70-80 पॉइंट के और निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं, ये बिल्कुल मैं भी मानता हूँ। पर जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरा मानना है कि एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट लेवल से। पर आज दिन भर जिन्होंने लिया हुआ है उनके लॉन्ग पोजिशन ट्रैप हो चुके हैं, कई स्टॉक्स ऐसे हैं, और ध्यान ऐसे स्टॉक्स में होना चाहिए जहां पे ये जो रैली आई उसमें जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया और वो टूट रहे, ऐसे स्टॉक्स में अगर आपका ध्यान रहेगा तो एक डाउनफॉल में बहुत अच्छी बहुत अच्छा मुनाफा होता नजर आ जाना चाहिए। सिमी जी स्वागत है आपका, आपकी राय भी बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर ही। आज हमने 11,411 ये लो लेवल्स बनाए हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये, नीचे में अगला सपोर्ट क्या है, और क्या आप भी मानती हैं कि 11,420 या 11,428 जो कल की हमारी क्लोजिंग थी ये हमारे लिए बहुत अहम है क्लोजिंग के लिहाज से? या गुड आफ्टरनून संदीप, मुझे लगता है कि मैं भी उन लोगों के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा आज का जो टारगेट था वो सुबह सुबह बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने हासिल कर दिया। निफ्टी का टारगेट मेरा फ्यूचर्स का जो था वो 11,490-500 का था, उसी के आसपास हाई बना के निफ्टी नीचे आया, और बैंक निफ्टी का भी मानो 28,800 के ऊपर गया एक हाई बनाने के लिए, पर एक आध मिनट ही शायद वहाँ पे हाई में था और उसके बाद से सेल ऑफ देखने को मिला था, और 28,800 का ही मेरा हाई मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आ गया। मैं तो बिल्कुल अभी मतलब वेट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत करंट लेवल से मैं और थोड़ा सा वीकनेस देख रही हूँ। निफ्टी के लिए जो मेरा अभी अहम सपोर्ट होगा वो 11,400-390 का है, इससे नीचे निफ्टी आज क्लोज करेगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर करंट लेवल से 30-40 पॉइंट का करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है। और बैंक निफ्टी के लिए मैं थोड़ा बहुत और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो 28,200-28,100 के बीच में है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी उस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए एक बार नीचे जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का ऊपर का जो सपोर्ट था वो बैंक निफ्टी सुबह ही हासिल कर दिया है, तो थोड़ा बहुत लोअर सपोर्ट टेस्ट करके फिर एक नया तेज़ी देखने को मिल सकता है। पर वापस से 28,700-28,800 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी तो ही नया मूव 29,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। फिलहाल का जो सिचुएशन है उसमें नहीं लग रहा है कि कल तक एटलीस्ट वही 28,800 का लेवल बैंक निफ्टी पार कर पाएगा। करंट लेवल से थोड़ा बहुत वीकनेस मैं भी देख रही हूँ। बिल्कुल, तो करंट लेवल से थोड़ी बहुत वीकनेस और देखने की उम्मीद है। 28,700-28,700 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक यहाँ पर बड़ी तेजी की उम्मीद कम है। 100 अंक नीचे बैंक निफ्टी इस वक्त आ चुका है। चलिए, बाजार के दौरान काफी सारी खबरें भी आई और खबरों के दम पर उन पर एक्शन भी काफी दिखा। कहाँ है और कौन से स्टॉक्स में एक्शन है वो बताने के लिए कुशल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए। गुड आफ्टरनून पूजा, तो शुरुआत करते हैं फेडरल बैंक के नतीजों से। यहाँ पे नतीजे जो है वो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें अगर मैं एनआईए की बात करूँ तो 1202 करोड़ का हमारा अनुमान था एनआईए आने का, 1123 करोड़ की एनआईए आई है। साथ ही जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे भी थोड़ा दबाव आता दिखा है। 3.1% जो है कंपनी के ग्रॉस एनपीए रिपोर्ट हुए हैं और 2.9% का हमारा एस्टिमेट था। इसके अलावा कंपनी की जो फ्रेश स्लिपेजेस है वो भी 540 करोड़ आई है, तो वो एक बड़ा ट्रिगर फैक्टर है जिस वजह से फेडरल बैंक आज एक्शन दिखा रहा है। साथ ही डीबी कॉप यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, मुनाफा जो है वो 46 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ आया है, और साथ ही आय जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी घटती हुई नजर आई है, 582 करोड़ के मुकाबले 530 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। साथ ही एबी मनी के भी नतीजे आए हैं, वहाँ पे भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं। आय में जो है वो गिरावट देखी गई है, 43 करोड़ के मुकाबले 39 करोड़ की आय कंपनी ने रिपोर्ट किया, और मुनाफा 2.3 करोड़ से बढ़ाकर 2.9 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं मेरे पास, जिसमें जैसे कि बजाज ऑटो, यहाँ पे बजाज ने जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको लॉन्च किया है, उसका काफ़ी बड़ा इवेंट आपके सामने भी आया था, और जो इवेंट पर मौजूद परिवहन मंत्री है उन्होंने बोला कि स्क्रैपेज पॉलिसी जल्दी आ सकती है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बजाज ऑटो के लिए बन सकता है। इसके अलावा पीएमसी इंफ्रा, यहाँ पर उन्होंने एनएचआईआई से
1062 करोड़ का ऑर्डर जीत लिया है, तो इधर ये फोकस में रह सकता है। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन्होंने भी एक्साइड नियो नामक ई रिक्शा लॉन्च किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये पहला कदम है एक्साइड की तरफ से। साथ ही इंडोको रेमेडीज, यहाँ पे एक खबर आती हुई दिखी है जिसमें USFDA ने 2 आपत्तियाँ जारी की हैं गोवा यूनिट को लेकर, और ये 7 से 15 अक्टूबर के बीच जो है ये जाँच की गई थी। साथ ही मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर पॉजिटिव खबर है, IMG जो पैनल है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, उन्होंने टैक्स छूट का प्रस्ताव सामने रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि चीन में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग्स हो रहे थे वो अब वियतनाम शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वियतनाम का टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर दिख रहा है। तो अब ये पैनल की जो रिकमेंडेशन है इसको PMO जांचेगा और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। ITDC पर भी खबर है, सरकार जो है जो अशोक होटल है वहाँ पे एडवाइजर्स मांग रही है और अशोक होटल की जो लीज है उस अशोक होटल को लीज पर देने की बात की जा रही है ITDC के मामले में। साथ ही कुछ एक ब्लॉक डील्स है मेरे पास अंत में। TVS मोटर्स 6 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 409.30 रुपये से 411 रुपये पर। भारती इंफ्रा, यहाँ पे भी 10 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 254.90 रुपये के भाव पर। BEL में सरकार ने 1.62 करोड़ शेयर बेचे हैं। और अंत में ICICI लोम्बार्ड में अभी भी थोड़ी देर पहले करीब 2.25 करोड़ शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ है 1228.75 रुपये के भाव पर। ये खबरों वाले शेयर हैं जिनमें बाजार खुलने के बाद खबरें आई हैं या तो फिर एक्शन बनता हुआ दिखा है खबरों के आधार पे या तो फिर किसी ब्लॉक डील की वजह से जहां पे काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। और पहले शुरुआत इनफैक्ट ICICI लोम्बार्ड से ही कर लेते हैं। कुणाल जी, जरा ICICI लोम्बार्ड के चार्ट देखिए, इसमें ब्लॉक डील हुई है। माना जा रहा है कि करीब 5% के आसपास का हिस्सा यहां पे ब्लॉक डील में ट्रांजैक्ट होता दिखा है और शायद फेयरफैक्स माना जा रहा है कि जिन्होंने अपना हिस्सा बेचा क्योंकि वही 4.9% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते थे। कल जिस तरह से हमने बजाज कंज्यूमर में देखा था, कल तो गिरावट आई ब्लॉक डील के बाद, आज कितनी शानदार रिकवरी है, कुछ ऐसा ही पैटर्न हम ICICI लोम्बार्ड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर संदीप जी बहुत मजबूत है और मैंने पहले इस पर खरीदारी की राय भी दी है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मुझे एक 1250 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है और बिल्कुल 19 स्तरों को कल छू लेने के बाद आज इसमें करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। मैं सहमत हूं कि अभी तक ओवरऑल ट्रेंड पर किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है और जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन है 1150 का स्टॉप लॉस रखें, क्लोजिंग बेसिस का होल्ड करें और जैसे ही स्टॉक 1250 के लेवल को ब्रीच करेगा इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तो इसका बायस बुलिश है और गिरावट में मेरी राय में खरीदना। ओके, ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस स्पेस में अगर इसको हम थोड़ा साइड में रख दें तो आज तो इंश्योरेंस कंपनियों का दिन है। देखिए SBI लाइफ, HDFC लाइफ, GIC इंश्योरेंस, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में देखेंगे या फिर जनरल इंश्योरेंस स्पेस में तो हर कंपनी आज तेजी में है। SBI लाइफ का जो एक रिजल्ट आया है वो एक ट्रिगर का काम किया, यहाँ पर वन ऑफ था जिसकी वजह से मुनाफा हमने देखा कि घटा था लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स पर नंबर अच्छे थे और उसी के चलते देखिए बाकी सारे स्टॉक्स भी HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, जनरल इंश्योरेंस स्पेस से जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इन सब स्टॉक्स में भी शानदार तेजी आज बनी हुई है। GIC की बात कर रही है ना, GIC री आज सुबह जो पिक ऑफ द डे हमने लिए थे तो जैन साहब हमारे साथ जुड़े थे जयपुर वाले, उन्होंने GIC री अपने एक पिक ऑफ द डे के तौर पे बताया था। 4 स्टॉक्स इनफैक्ट उन्होंने बताए थे, अशोक लीलैंड भी 2.5% ऊपर है, इसके अलावा उन्होंने GIC री बताया था। एक बार जरा GIC 20% के ऊपर सर्किट आपको ना केवल GIC री में नजर आएगा बल्कि आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस देख लीजिए वहां पे भी आपको एक्शन काफी ज्यादा नजर आएगा। इसके अलावा ये ICICI लोम्बार्ड जहां पे ब्लॉक डील हुई है उसको छोड़ दीजिए, ICICI प्रूडेंशियल देखिए, SBI लाइफ देखिए, जो बाकी स्टॉक है पूरे जितने भी इंश्योरेंस वाले स्पेस की बात करें काफी अच्छा एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किरण जी, जरा ये ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इनमें से आपको कोई पसंद है? संदीप जी, मैं पहले एक बार बिगुल बजवाई है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम GIC वगैरह स्टॉक्स के बारे में बात कर सकते। चलिए ठीक है, पहले किरण जी के लिए एक BTS TT का बिगुल। बताइए सर, हाई कन्विक्शन है? बहुत ही हाई कन्विक्शन है और बाय करके चलना चाहिए HCL टेक में। जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही बेहतरीन है, पिछले कई बॉटम्स के सॉरी टॉप्स का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और टारगेट भी बढ़ा है। मेरा पहला टारगेट रहेगा 1127, दूसरा 1135, तो इस बड़े टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 1096 का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी काफी बड़ा है और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। किरण जी, 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है बस?
बस बस एकदम छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा टारगेट है 1127 1135 के टारगेट्स के लिए बाय करना है। चलिए ठीक है, तो एचसीएल टेक में खरीदारी कीजिए 1127 और 1135, ये दो टारगेट हैं। चलिए किरण जी, आप ये जो इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं इनमें से कोई बताइए आपको, एचडीएफसी लाइफ या तो फिर एसबीआई लाइफ या आईसीआईसीआई प्रू, इनमें से कोई स्टॉक पसंद आ रहा हो चार्ट्स पे? देखिए एचडीएफसी लाइफ बेहतरीन विकल्प है जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट की बात है, और आईसीआईसीआई प्रू रहेगा आपका ट्रेडिंग के लिहाज से। अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो मेरा मानना है कि आपको 6 महीने 8 महीने का नजरिया रखना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 570 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 750-800 के देखने को मिल जाना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू में आपका ट्रेडिंग का नजरिया रखना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 460 का, 467 पे ट्रेड कर रहा है और आपको कल परसों तक यानी 1 से 2 दिनों का अगर वक्त देते हैं तो 477-480 के लेवल्स आपको टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। ओके, तो इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ में तो अगले 7 से 8 महीने में 800 तक का लक्ष्य भी देख रहे हैं, नतीजे एचडीएफसी लाइफ के भी आने वाले और एक्सपेक्टेशन अब यही है। एसबीआई लाइफ के नतीजों देखने के बाद एक्सपेक्टेशन अब एचडीएफसी लाइफ से भी अच्छी ही बन रही है। एक और स्टॉक्स जो कि आज सुबह से ही फोकस में है वो है बजाज कंज्यूमर, शानदार तेजी है आज, अभी अगर इस वक्त देखें तो 17% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। तो सुबह से यहाँ पर तेजी बनी हुई है, कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए हैं यहाँ पर, इस वजह से अच्छी तेजी के साथ ये स्टॉक भी आज कारोबार कर रहा है। राकेश जी, बजाज कंज्यूमर के चार्ट देखकर बताइए अभी इस स्टॉक में फिलहाल क्या करें यहाँ पर? देखिए पूजा, ऑल्दो ये स्टॉक 52 वीक लो से रिबाउंड हुआ है बट चार्ट के ऊपर एक क्लियर रिवर्सल दिख रहा है, कल के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है। मेरा ऐसा मानना है किसी ने ले रखा है तो होल्ड करना चाहिए, ऊपर में 244-245 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर 245 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है और सस्टेन करता है, क्लोजिंग आती है, तो एक शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट एक रिवर्सल का साइन होगा। 245 एक मेक और ब्रेक लेवल है, शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक रिवर्सल के साइंस हैं जिन्होंने डिलीवरी में ले रखा है, फॉर द टाइम बिंग होल्ड रखें। इस बीच आप मार्केट देखिए, एक बार लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है, हर इंसान में निफ्टी है 11443 के आसपास के लेवल हैं, आज 11411 का लो बनाया है और लोअर लेवल से अगर आप देखें तो 30-32 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। और निफ्टी बैंक में भी आप देखिए अब जो गिरावट है वो महज 83 अंक के आसपास की रहेगी, आज का लो हमने 28305 या मान लीजिए 28300 के आसपास का है, तो निचले स्तरों से आप मान के चलिए करीब 125 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है और जो गिरावट है 80 पॉइंट से भी कम की रहेगी। थोड़ी देर में अनिल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि मार्केट में क्या रणनीति लेके चलनी चाहिए, थोड़े टाइम का आपको वेट करना होगा। लेकिन इस बीच वागले जी के लिए एक बिगुल है बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। संदीप बेच के चलना है, स्टॉक है M&M फिनांस, मुझे इसमें ब्रेकडाउन दिखाई देता है, करंट भाव है 304 का, इधर बेचिए 304-304.50 जो भी भाव है, मेरा 308.50 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और मुझे ऑन द डाउन साइड दिखाई देता है कि ये 293-294 एक 10 रुपये की मूव आपको देना चाहिए, तो 4 रुपये की रिस्क 10 रुपये का टारगेट ये ट्रेड सेटअप बैठता है। ओके, 293-294 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं बागले साहब आप नहीं बोलते तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछने वाला था ये, क्योंकि यहाँ पे गिरावट भी काफी ज्यादा है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, कुछ और भी स्टॉक्स हैं मेरे डार पे। लेकिन उससे पहले सिमी जी, आप एक बार फेडरल बैंक के चार्ट देखिए, इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद देखिए 4.5% के आसपास की गिरावट है, कुछ स्लिपेजेस बढ़ी हैं, उसका इसकी चिंता है जिस वजह से स्टॉक अभी भी 4.5% नीचे है। जरा फेडरल बैंक पे अगला सपोर्ट लेवल क्या है, किन लेवल्स को ट्रैक करना होगा वो बताइए। संदीप, चार्ट उतना खराब नहीं है पर आज का फॉल के बाद मुझे लगता है कि 81 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट होगा जो कि वॉच करना पड़ेगा, 81 के नज़दीक है और 81 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाएगा तो ये जो वीकनेस आज देखने को मिल रहा है वो कल तक भी एक्सटेंडेड होगा और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 78-77 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 81 का क्लोजिंग अगर आज हो जाता है तो फ्रेश वीकनेस इसमें देखने को मिलेगा। जिन्होंने सुबह से शॉर्ट करके होल्ड किया है उनके लिए तो मैं अभी यही कहूँगी कि 81 का लेवल देखिए, अगर 81 ब्रीच नहीं होता है तो एक बार कवर करके बैठिए प्रॉफिट बुक करके, नहीं तो अगर क्लोजिंग 81 के नीचे हो रहा है तो शॉर्ट पोजीशन कल तक लेके जाइए, 77-78 का टारगेट कल तक देखने को मिल सकता है। ठीक है।
तो ये रहा फेडरल बैंक पर, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, हल्की रिकवरी आई लेकिन अभी भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। चलिए एक बिगुल का वक्त है चार्ट कॉर्नर का राकेश जी और कुणाल जी के लिए। बताइए सर, तुरंत खरीदारी की राय है टेक महिंद्रा में। जैसे अभी किरण जी ने एचसीएल टेक पे राय दी, सारे ही आईटी स्टॉक्स में एक एक करके ब्रेकआउट हो रहा है और टेक महिंद्रा ने कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। इस स्टॉक में कम से कम 760 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट टेक महिंद्रा में आज के ट्रेड में आते हुए दिख रहा है। ओवर टू राकेश। देखिए पूजा, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, काफी समय बाद यहाँ पर एक क्लियर रिवर्सल देखने को मिल रहा है और बड़े टारगेट्स 749 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा को खरीदने की राय है। 720 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 749 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा को खरीदें। 731 के आसपास है, 720 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर में 749 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वागले जी, आपके रेडार पे एक स्टॉक नहीं आ रहा है क्या आईटी स्पेस से? एक्चुअली एचसीएल टेक मेरा भी पिक था, बट किरण ने ऑलरेडी कवर किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में मार्केट शायद टिकेगा नहीं। हालांकि आईटी स्पेस में मेरा व्यू बुलिश है, बट वन वे मूव वाला वो जो मोमेंटम था, वो जो हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे, वो वाला मोमेंटम मुझे आज दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, मैं स्टॉक का नाम आपको बाद में बताऊंगा जो मेरे को लग रहा था शायद आपके रडार पे आ जाएगा। इस बीच किरण जी के लिए एक बिगुल है BTS डबल टी का। सर बताइए, अभी भी आईटी स्टॉक ही है कोई? मेरा भी एचसीएल टेक ही था, सॉरी टेक महिंद्रा ही था। तो टेक महिंद्रा काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी स्पेस है जो कि एक नीचे से अच्छा अंडरकरंट दिलाता नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 6727 का और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं लेवल्स ऑफ 737-738 के लेवल्स आज के ट्रेड में देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो आज के आज ही आप कह रहे हैं कि 737 और 738 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वागले जी, अब मैं आपको स्टॉक का नाम बताता हूं। मुझे पता था कि ये आईटी स्टॉक्स में, देखिए किरण जी, कुणाल जी, इनके रडार पे स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं, तो टाटा एलेक्सी आपके रडार पे अभी तक नहीं आया क्या? आप माइंडट्री की तो बात नहीं कर रहे? नहीं, थोड़े से वॉल्यूम्स कम है संदीप, मुझे लग रहा था आप माइंडट्री की बात कर रहे हैं। माइंडट्री तो सर आपसे सुबह भी पूछा था, आपने कहा था कि तो कल बताएंगे, 9:16 पे बताएंगे। हाँ नहीं, वो आज ब्रेकआउट दिया है 735 के ऊपर, लेकिन क्योंकि रिजल्ट है और रिजल्ट वोलेटिलिटी में आप ट्रैप हो सकते हो, इसके लिए मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन माइंडट्री, अगर मेरे को कोई स्टॉक बाय करना है तो मैं माइंडट्री बाय करूंगा 747-745 के करंट भाव में। एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 735 का और मुझे लगता है 770 की तरफ जाना चाहिए। टाटा एलेक्सी मेरे पास कोई कॉल नहीं है। अच्छा, माइंडट्री में आप कह रहे हैं 735 का स्टॉप लॉस है, 770 तक के टारगेट है? बिल्कुल। चलिए ठीक है, फाइनली माइंडट्री पे आपके रडार पे आया तो सही, 735 का स्टॉप लॉस, 770 रुपए का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। अच्छा, एक स्टॉक है कैश सेगमेंट में है, पीएनबी हाउसिंग का। सिमी, अगर आप पीएनबी हाउसिंग के चार्ट देख पाए तो इसमें आज एकाएक बहुत तेज गिरावट देखने को मिले पीएनबी हाउसिंग का। अगर आप इंटरडे चार्ट एक बार देख पाए कि किस तरह का मूव वहां पे देखने को मिला है, तो पीएनबी हाउसिंग में आज हमने देखा कि एकाएक जो शार्प है, जो तेज गिरावट है, वो स्टॉक में देखने को मिली। देखिए डे लो के आसपास, इनफैक्ट मैंने जब लास्ट देखा था 10% था, अब ये 12% हो चुका है। सिमी, देखेंगे क्या यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन के इंडिकेशंस हैं, अगला सपोर्ट कहाँ पे है और जिनके पास है उनके लिए क्या रणनीति होगी? संदीप, चार्ट तो बेहद वीक है और मुझे लगता है कि फर्दर वीकनेस अभी इसमें देखने को मिल सकता है। अब जो स्टॉक 52 वीक लो में ऑलरेडी बैठा है, उसमें और फ्रेश टारगेट क्या दे? 385 का लेवल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, हो सकता था कि 400 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन था, अब ये 380 के आसपास आ गया है। अगर जो लो अभी सुबह अभी बनाया है 370 के आसपास,
वो लो टूट जाएगा तो 355 के आसपास भी जा सकता है। पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार के लिए इतना बड़ा फॉल के बाद करंट लेवल पर कोई 350-55 का टारगेट लेके फ्रेश सेल ऑफ ना करे, इनफैक्ट थोड़ा बहुत साइड लाइन में बैठिए। बाई करने का तो कोई सवाल है ही नहीं, चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, इनफैक्ट एक उछाल का इंतजार कीजिए और उछाल में फिर वापस बेचने का सिलसिला इसमें आ सकता है। करंट लेवल पर कोई कॉल नहीं है, पर 400 के आसपास वापस से एक नया वीकनेस देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर तेजी 400 के आसपास आता है तो वहाँ पे फ्रेश सेल करके देख सकते हैं। अभी के लिए तो मुझे लगता है कि जो लो बन चुका है वो लो शायद आज के दिन के लिए लो है। नहीं तो जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस बता दीजिए। स्टॉप लॉस एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदीप ये स्टॉक जो है ये मतलब इसमें सारे ट्रेंड से ये स्टॉक नेगेटिव वीकनेस में है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि डिलीवरी पोजीशन कोई होल्ड किया है। अगर होल्ड किया है तो वो मेरा बात सुन के या मेरा नया टारगेट नया स्टॉप लॉस सुन के एग्जिट करने वाला नहीं है। वो उन लोगों का शायद स्टॉक से प्यार है इसलिए स्टॉक में अभी भी बैठा है। वो कभी कभी हम लोगों में भी होता है, हम लोग भी वेट कर जाते हैं इतना खराब चार्ट देखने के बावजूद भी लगता है कि नहीं वापस से रिकवरी आएगी। ये स्टॉक तो लगातार लास्ट 2017 से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो इसमें नया क्या टारगेट दे और नया क्या सपोर्ट दे। 350-55 का सपोर्ट मैं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वही देख रही हूँ, क्योंकि 400 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट जब टूट गया है तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके ये स्टॉक वहाँ पे सेटल करे। पर फॉर्मेशन काफ़ी डेंजरस टाइप है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पोजिशन डिलीवरी वाली पोजिशन होल्ड करना चाहिए। कोई भी रैली मिलते ही उछाल मिलते ही एग्जिट करना ही बेहतर है। तो खरीदना नहीं है पीएनबी हाउसिंग में, ये बात तो पक्की है। कोई रैली कोई बाउंस आता है तो आपको एग्जिट या तो फिर बेचना ही है। आपके पास अगर है आप फंसे हुए हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 350-355 रुपए के आसपास आप आज के लिए मेंटेन करके चल सकते हैं। राकेश जी आपके रेडार पे कोई स्टॉक नहीं आया अभी तक? अभी दिया ना संदीप जी, टेक महिंद्रा पे बाय कॉल दिया था चार्ट कॉर्नर पर। अच्छा नहीं, इंडिविजुअली मैं कह रहा था, अगर नहीं तो फिर मैं एक स्टॉक आपसे पूछना चाह रहा था, वो है टॉरेंट फार्मा का। इनफैक्ट ये स्टॉक का सुबह भी मेरे रडार पे था, उस समय ये करीब 1-1.5% नीचे था। आप देखिए 3% के आसपास की गिरावट हो चुकी है इसमें, और ओपन इंटरेस्ट भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा करीब 7% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ा हुआ है। तो टॉरेंट फार्मा में चार्ट पैटर्न देखिए राकेश जी, एक तो ये बताइए कि इन लेवल्स पे क्या शॉर्ट कर सकते हैं, अगला सपोर्ट लेवल क्या है इस स्टॉक के लिए? देखिए संदीप जी, टेक्निकल रुझान काफ़ी ख़राब है और यहाँ पर यूएस एफडीए के कंसर्न्स रेगुलर बने हुए हैं। पिछली बार भी उस वार्निंग लेटर के बाद स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बट एक रिकवरी देखने को मिली। टेक्निकली पैटर्न ख़राब है, ऊपर में रेजिस्टेंस 1680 के अराउंड आता है और टेक्निकली ये स्टॉक नीचे में 1530-1535 तक गिरने का दमखम रखता है। टॉरेंट फार्मा पर ये राय आपको दे दी गई है। अभी थोड़े पहले हम पीएनबी हाउसिंग के बारे में बात कर रहे थे, वहां कमजोरी, लेकिन एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि आज तेजी है उसके विपरीत चाल दिखा रहा है वो है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक देखिए 17% ऊपर है आज सुबह से ही, यहां पर भी तेजी अच्छी खासी बनी हुई है और थोड़ी देर पहले ही दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। और ये जो तेजी आई है ये एक आखिरी कुछ घंटे में ही आई है, 17% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त आ चुका है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। किरण, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट से एक बार देखिए अभी फिलहाल क्या करना चाहिए यहाँ पर? जीएसए हाउसिंग फाइनेंस पे मेरा मानना है कि एक बाउंस बैक है। चार्ट पैटर्न, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बहुत डिस्टॉर्टेड है, काफी बड़े सपोर्ट्स के ब्रेक डाउन देखने को मिले थे और हर एक ऊपर जो बाउंस बैक में देखने को मिला था उधर से बिकवाली ही देखने को मिल रही थी। तो मेरा मानना है कि बाउंस बैक को अगर किसी को प्ले करना है तो बेस्ट केस सिनेरियो 187-190 तक जा सकता है, तो उस टारगेट के लिए आपको ट्रेल करना चाहिए। अभी अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन है तो 144 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। 144 रुपए का स्टॉप लॉस आपने कहा ना? बिल्कुल 144 का स्टॉप लॉस, टारगेट के लिए मैं 187-188 के लेवल्स, तो 187 के लेवल्स आए फिर एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए। अच्छा राकेश जी, एक सवाल जो मैंने सुबह आपसे पूछा था, एक बार नहीं दो बार पूछा था, तब भी आपने जवाब नहीं दिया, अब आप दे दीजिए। बजाज फाइनेंस के आप एक बार चार्ट देखिए, यहाँ पे स्टॉक 3% ऊपर है, मैं फ्यूचर्स के लेवल आपको बता रहा हूँ, और 7% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। आज इसने हाई बनाया था 4040 का, उसके बाद ये नीचे भी आया, अभी भी आप देखिए फिर से एक बार स्टॉक में जो तेजी का रुझान है फिर से बनता हुआ दिख रहा है। इन लेवल्स के आसपास क्या ले सकते हैं? मुझे याद है एक बार वागले जी ने बताया था कि 4000 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। देखिए संदीप जी, ये स्टॉक हमने निचले स्तरों पर
3300 के अराउंड 10 की कमाई में दिया था और अभी रिसेंटली भी हमने दो दिन पहले भी दिया है और टेक्निकली ये स्टॉक 3860 इसका एक अहम सपोर्ट बन चुका है। टेक्निकली लगता नहीं है अभी कुछ दिनों में स्टॉक उसके नीचे जाएगा और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक नए 52 वीक हाई की संभावना है। इन स्तरों पर ट्रेडिंग के नजरे से और डिलीवरी के नजरे से एक बेहतरीन बाइंग कैंडिडेट है, खरीद के चलना चाहिए बजाज फाइनेंस को। एक स्टॉप लॉस बता दीजिए सर, फिर 3860 के नीचे की क्लोजिंग आए तभी निकलना चाहिए, एल्स बाय एंड होल्ड करें। ठीक है, एक नया 52 वीक हाई बन सकता है बजाज फाइनेंस में 3860 इसका अगला सपोर्ट लेवल है, वो स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो अभी भी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक भी ज्यादा की बात है बजाज फाइनेंस की, लेकिन माइंट्री के जो नंबर्स आने वाले हैं एक्सपेक्टेड यही है कि बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे, लेकिन नंबर्स कैसे रह सकते हैं स्टॉक में इतना मूवमेंट जो आ रहा है, या नंबर्स में कोई पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद आपको करनी चाहिए, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद करके चले? बिल्कुल संदीप, नंबर्स जो है पॉजिटिव आने के ही अनुमान है, जैसे चाहे आप डॉलर रह लीजिए या मार्जिन्स लीजिए या फिर मुनाफा लीजिए। डॉलर राय में अगर मैं देखूं तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 2.7% का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है और 2.3% डॉलर राय बढ़ सकती है। साथ ही अगर मैं बात करूं मार्जिन्स की तो वहां पे भी करीब 3.25% का उछाल आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक की आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा उछाल होगा क्योंकि इसमें एक वन ऑफ बोनस जो है वो Q1 में दिया गया था वो इस तिमाही में नहीं है, जिस वजह से मार्जिन्स में इतना अच्छा उछाल देखने को मिला है और उसी की वजह से भी मुनाफा जो है उसमें आप देखेंगे करीब 51% का उछाल आता दिख सकता है और 140 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस बार नंबर्स में पॉजिटिव सरप्राइज आ सकते हैं और खास तौर पर इसकी उम्मीद है, जिस वजह से स्टॉक देखिए अच्छा खासा मूव कर भी रहा है और अभी जब हमने वागले जी से बात करी वो कह भी रहे हैं 735 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 770 तक के जो जोन हैं वो स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए माइंट्री अब करीब डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ और जो बाकी स्टॉक्स हैं जिसमें आप HCL टेक देखिए, आप टेक महिंद्रा देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला और ये किरण जी और साथ ही साथ राकेश जी और कुणाल जी के रडार पे आते हुए दिखे भी हैं। विप्रो एक और स्टॉक है, सुबह भी इसकी बात हुई थी, अब करीब 251 के आसपास के लेवल्स हैं। सिमी आप एक बार विप्रो के चार्ट देखिए, इस बार इन्होंने भी नंबर्स के वाइज पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, विप्रो में क्या और अपसाइड की गुंजाइश है? संदीप ये जो लेवल है जहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि 251-252 अगर होल्ड हो गया तो कल ये रैली एक्सटेंडेड होगा और 258-260 तक ये स्टॉक जाएगा, पर यहाँ पे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जो एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट से पहले तब मतलब कल ही सुबह अनिल जी ने मुझसे पूछा था कि विप्रो कैसा लग रहा है, मैंने कहा था कि एक रैली रिजल्ट से पहले पॉसिबल है, 248 से 52 का टारगेट है और उसी के आसपास अभी आ चुका है, अब वहाँ पे सस्टेन करेगा तो आगे 258-60 तक देख सकती हूँ। ठीक ठाक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का ही सलाह देती हूँ, 245 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कीजिए और 250 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो कल तक ये मेंटेन कीजिए लॉन्ग पोजीशन। तो 251-252 अगर ये लेवल्स होल्ड हो जाते हैं आज के दिन में, फिर सिमी जी मानती हैं कि 258-260 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आज बाजार खुलने से पहले नंबर्स किस तरह के आए हैं, रिजल्ट्स का जो एनालिसिस है और कैसी चाल इस स्टॉक की देखने को मिल सकती है, इसके बारे में क्या चर्चा हुई थी आइए पहले वो भी सुन लेते हैं। विप्रो को खरीदने की राय, आज बाजार बंद होने के बाद विप्रो के रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के पहले एक मौका तेजी का बन सकता है 250-255 तक के टारगेट के लिए, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट के पहले जिन लोगों को खरीदना है, रिजल्ट के पहले प्रॉफिट बुक करना है तो आज 3:30 बजे के पहले प्रॉफिट बुक कर ले। विप्रो के रिजल्ट किसी भी एंगल से खराब नहीं है, मार्जिन थोड़े से उम्मीद से बेहतर आए हैं, गाइडेंस ठीक किया है उन्होंने, तो ये दो पॉजिटिव्स हैं मेरे लिए। कल हमने इसको आज के 2000 में खरीदारी करने की भी राय दी थी, जिन लोगों ने लिया है 250-255 के रेंज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उनके 2000 बन जाएंगे। विप्रो हम कह रहे थे कि 250-255 तक जाने की तैयारी है, 249.20 रुपए का हाई बनाता हुआ 250 के आसपास पहुंचता हुआ, अगर आपने कल खरीदा है आज के 2000 में तो पहला टारगेट 250 रुपए का विप्रो के फ्यूचर्स का हासिल होता हुआ दिख रहा है, दूसरा टारगेट है 255 का, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। पहला टारगेट जो आपको बताया गया था 251 का वो तो हिट हो चुका है, जो कल आपको बताए गए थे लेवल्स, और इसने 251.90 रुपए ये आज का हाई बनाया जहाँ तक फ्यूचर्स के लेवल्स की बातचीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की ऊपर फोकस करते हैं। एक और स्टॉक है ग्रासिम का, आज सुबह भी इसको लेकर बातचीत हुई थी, इनफैक्ट वागले जी मुझे याद है आपने सुबह ये बताया भी था 752 और 700
55, ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आज आपने सुबह इस स्टॉक के लिए बताए थे। लेकिन इस बीच कॉक्यू कैमलिन एक कंपनी है, छोटी कंपनी है। कुणाल जी, आप इसके चार्ट्स रेडी रखिए, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप इसकी आय देखिए, 142 करोड़ से घटकर 136 करोड़ आई है, लेकिन स्टॉक में 4.5% के आसपास का अप मूव है। वो इसलिए क्योंकि आप इसका मुनाफा देखिए, जो मुनाफे के नंबर्स आए हैं वो आप देखिए, करीब 1 करोड़ रुपये के आसपास का नंबर था, वो बढ़कर 2 करोड़ रुपये के आसपास, यानी कि 2 गुना के आसपास मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है, जिस वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है। कुणाल जी, जल्दी से इसके स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो 67 का है संदीप जी। अगर ये 67 के ऊपर टिक जाता है तो फिर मुझे लगता है कि 70 तक का इंट्राडे मोमेंटम बन सकता है, तो 67 के ऊपर ही बाय करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है उनको 62 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना चाहिए। 62 के नीचे अगर ये गया तो ये कमजोर हो जाएगा, ऊपर 67 को पार करेगा तो मुझे लगता है कि 70 तक का एक मोमेंटम आपको इंट्राडे में देखने को मिले। सर, 67 का लेवल तो पार हो गया, जैसे आप बोल रहे थे 68 भी आ गया, अब तो 69 के लेवल भी आ चुके हैं स्टॉक में, अगले लेवल्स बताइए अब इसमें। जैसे मैंने कहा संदीप जी, 70 रुपये का मेरा टारगेट था, अभी आप हाई देखे तो 69.95 का हाई भी लग चुका है इसमें। मुझे लगता है कि 70 अगर ये टिका जाता है, यानी कि 70 के ऊपर कुछ वक्त बिता लेता है, तो फिर इसमें 72 तक के लेवल्स आएंगे। लेकिन अगर आपने अभी खरीदा है और आपको तुरंत मुनाफा हो रहा है, मेरी राय में एक बार प्रॉफिट लेना चाहिए। अगर आपने निचले लेवल्स पे लिया है, आप मुनाफा हो रहा है, तो आप एक बार बुक कर सकते हैं। अगर आप लंबा होल्ड करना चाहते हैं तो 70 रुपये के लेवल्स के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो फिर हो सकता है कि 72 रुपये तक की जो चाल है वो भी स्टॉक में आती हो। देखिए 5% ऊपर था जब हमने बात करनी शुरू करी थी, अब करीब 12% के आसपास का आप मूव स्टॉक में देखने को मिला है। मार्जिन देख लीजिए एक बार, 5.3% के थे, वो बढ़कर 7.25% के आए, तो 2% का मार्जिन में इजाफा और 2 गुना की बढ़त मुनाफे में आई है, जिस वजह से आप देखिए स्टॉक इतना पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख भी रहा है। एकदम बेहतरीन मूव आया है। अरे आप आ गए। मैंने कहा आप देख नहीं रहे, तो मैंने कहा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं आ चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन बस स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। तैयार है? एक मिनट। हाँ, मैं एकदम तैयार हूँ, दिवाली का स्पेशल शो रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट मुझे दे दें, फाइनल टच ये दे देता हूँ। आप फाइनल टच ले लीजिए। कुणाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, मैं ये कैमलिन के बारे में कहना चाह रहा था कि इसमें देखिए 70 रुपये का हमारा अभी मैंने टारगेट दिया था, उस समय 66 रुपये का रेट था, 70 का इसने हाई लगा लिया है, अब तो 70 रुपये 30 पैसे का इंट्राडे हाई हो गया, तो जिस किसी ने भी खरीदा उसको मुझे लगता है एक बार मुनाफा लेना चाहिए संदीप जी। बिल्कुल, 70 रुपये 5 पैसे, ये मैं BSE के दाम आपको बता रहा हूँ, 70 रुपये 5 पैसे इसका आज का हाई है। और जैसे कुणाल जी आपने कहा भी था कि 70 रुपये के आसपास ये है, उस समय आपने कहा था 69.90 के आसपास का कुछ हाई इसने बनाया, तो उस लेवल पे आपने कहा भी था मुनाफा सुली आएगी। और स्टॉक देखिए 12-12.5% ऊपर था, अब 9.5-10% के आसपास की। कुणाल जी, ब्रेक लगा देते हैं एकदम। अरे एकदम, 5.5% पे हमने बात करना शुरू किया था, बढ़ते हुए शेयर पे ब्रेक लगाना ऊपर और गिरते हुए शेयर के लिए वो क्या जैक लगाना ताकि उसके नीचे रह जाए, ब्रेक और जैक दोनों। नो वंडर उनके पोर्टफोलियो में ऑटो और ऑटो इंसिलरी शेयर बहुत है, ऑटो इंसिलरी स्पेशली। कुणाल जी, आपके वो कितने 65-70 रत्न जो हैं आपके पोर्टफोलियो में, उसमें से कितने ऑटो इंसिलरी होंगे अंदाज से? जी अनिल जी, अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो एक आपको अपडेट दे रहा हूँ कि उसकी जनसंख्या थोड़ी कम हो गई है। क्या हो गया? यानी कि कुछ स्टॉक्स जो भी गिरावट आई है, कई सारे स्टॉक्स मुझे छटनी करनी पड़ी। उसकी वजह यह है कि मार्केट का ट्रेंड यह है, मिड कैप स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो कई सारे स्टॉक्स में मैंने एग्जिट किया है। लेकिन अभी भी जनसंख्या काफी, अनिल जी अभी भी मेरे पास 52 शेयर्स है, 52, तो 52 शेयर्स की होल्डिंग अभी भी बनी हुई है। तो आपने देखा नहीं क्या मेरा वो वाला शो विजय मंत्र वाला? अनिल जी, मैंने सुना था, बड़े 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 इंटरेस्ट के साथ मैंने आपका तर्क सुना था। पहले आपने कहा कि जितने बच्चे हों उतने स्टॉक्स होने चाहिए, तो आजकल तो अनिल जी 1-2 बच्चे होते हैं, मेरा तो एक ही है, तो मैंने सोचा फिर एक ही शेयर के साथ तो अनिल जी ठीक नहीं रहेगा। फिर आपने दूसरा कहा कि स्पोर्ट टीम के जो आपकी क्रिकेट टीम है उतने बच्चे हों, उतने स्टॉक्स हों, तो फिर मैंने सोचा अनिल जी इससे बेहतर मेरी एक किस पे धारणा है, आप बताइए सही है या नहीं है। जी, मेरा ये कहना है अनिल जी कि क्लास में जितने बच्चे होते हैं और वो उस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, जितने आपकी क्लास में बच्चे थे उतने स्टॉक्स होने चाहिए। 40 ले आओ फिर, और क्या है, आप धीरे धीरे, लेकिन तो बढ़िया है, ये भी आइडिया ठीक है। आप क्लास टीचर है और अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को संभाल रहे हैं, वो भी आइडिया ठीक है। ये आमतौर पर बेसिकली कम शेयर वाला, अनिल जी उसका फायदा पता है क्या है? देखिए अनिल जी बता दो, फायदा ये है कि आप बहुत ज्यादा मोह फिर शेयर से नहीं करते। हाँ, ये बात उतना ही मोह करते हैं जितना एक टीचर अपने बच्चे के साथ करते हैं।
हाँ, एक दो बच्चे हो तो फिर ज्यादा हो जाता है फिर वो, फिर इनको दो चार जो ज्यादा अच्छे चलने वाले बजाज फाइनेंस टाइप के उन्हीं से मोह रहेगा बाकी कर। लेकिन ये जो आपके पोर्टफोलियो में जनसंख्या कम हुई, जो शेयर कम हुए, उस पर बंसल जी क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। बंसल जी को इसके किस बात की इतनी खुशी है बंसल जी आपको, जो इनके पोर्टफोलियो की कटाई छटाई हो गई इसमें? स्टैटिस्टिक प्लेजर कहते हैं वो उस चीज पे मुस्कुराहट नहीं हो रही है तो? मैं अनिल जी हंस रहा हूँ दूसरी चीज पर। कौन सी वाली? जैसे अभी अनिल जी आजकल जैसे आपने बोला ना एक दो बच्चे होते हैं, कुणाल जी ने बोला मेरा एक बच्चा है, 55 स्टॉक है। आजकल अनिल जी आप लोगों के ट्विटर हैंडल देखिए, लोग लिखते हैं, जैसे आप कुणाल जी लिख सकते हैं 55 स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो, लोग लिखते हैं 1 wife 2 किड्स, तो मुझे वो याद आ रहा था तो उसको सोच सोच के मैं हंस रहा था। नहीं नहीं 1 wife 2 kids नहीं, वो डबल इनकम नो किड्स। आजकल ये नया कॉन्सेप्ट है डिंक, डबल इनकम नो, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं और बच्चे नहीं, एंजॉय करो लाइफ ऐसा डिंक। हाँ, इसलिए फिर वो इक्विटी के लिए बचाते भी नहीं, बोले बचाना किसके लिए जब बच्चे बच्चे ही हैं। एनीवे तो चलिए विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। चोपड़ा साहब स्वागत है आपका। सर ये बताइए आपके हिसाब से आइडियली कितने शेयर होने चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए नंबर ऑफ शेयर्स से ज्यादा मैं कहूंगा कि कितना डाइवर्सिफाइड है आपका पोर्टफोलियो, तो कितने सेक्टर्स होने चाहिए। मेरे हिसाब से कम 4 से 5 सेक्टर्स में कम से कम आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और कम से कम 3 से 4 स्टॉक पर सेक्टर अगर आप ले लीजिए तो 5 सेक्टर मेरे हिसाब से 20-25 स्टॉक हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 20-25 स्टॉक एक अच्छी होल्डिंग होती है और उनकी ट्रैकिंग भी इजी हो जाती है। देखिए एक जो चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे मैं पोर्टफोलियोज हम भी देखते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं 250 स्टॉक्स हैं, 500 स्टॉक्स हैं उनके पास, उन सभी स्टॉक्स की ट्रैकिंग करना बहुत कठिन होता है। कैसे कोई ट्रैक कर पाएगा? क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन भी होते रहते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी होती रहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 25 से 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो और वो 4 से 5 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हो तो एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होता है अनिल जी। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के दें, आपकी स्टॉक पिकिंग अच्छी होनी चाहिए, सेक्टर ठीक होना चाहिए, सेक्टर एक लैगार्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी इंफ्रा और रियल एस्टेट के स्टॉक्स लेके बैठे हैं, उन्होंने सेक्टर रोटेशन नहीं किया, तो वो सेक्टर्स होने चाहिए जहाँ पर कुछ एक्शन हो, जहाँ हरकत हो, जहाँ पोटेंशियल हो। तो मेरे विचार से 5-1 सेक्टर्स और 25-30 स्टॉक्स। तो 4 से 5 सेक्टर्स आइडियली आपके पोर्टफोलियो में, 25-30 स्टॉक होने चाहिए। लेकिन एक स्टॉक जो कि पिछले कुछ मिनटों में बहुत तेजी से चला है, जो डे हाई के आसपास अब आ गया, वो है अशोक लेलैंड का। आप देखिए 72 रुपये के आसपास है फ्यूचर्स की, जहाँ तक बात है 4.25% की बढ़त अब इस स्टॉक में देखने को मिली, डे हाई के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चोपड़ा साहब ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी की गाइडलाइंस आज जारी हुई हैं, कितना पॉजिटिव है ये अशोक लेलैंड के लिए, और इसके बेसिस पे आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी पूरे के पूरे ऑटो क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से एक अनलिमिटेड लाइफ स्पैन होता था किसी भी ट्रक का या किसी भी गाड़ी का, आज भी बहुत सारे क्या होता है, बड़े शहरों से छोटे शहरों, छोटे शहरों से फिर कस्बों में, कस्बों से फिर गांव तक ये गाड़ियां चलती रहती थी और कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ रीसेल रहती थी। मगर स्क्रैपेज पॉलिसी आने से कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप ज़रूर लगेगा, विच इज़ गुड। मुझे लगता है कि पूरे ऑटो क्षेत्र में यदि हम बात करें वैल्यूएशन वाइज, टाटा मोटर्स मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड भी यहाँ पे अच्छा लगता है मेरे को, कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब ही नहीं लगती। अगर आप टू व्हीलर क्षेत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो अच्छे तरीके से पॉइज्ड है, और आज उन्होंने एक नई खबर भी निकाली है कि वो लोग दोबारा से चेतक ईवी के रूप में निकालना चाहते हैं। मुझे नहीं पता मार्केट का एक्सेप्टेंस होगा नहीं होगा, क्योंकि अब दूसरे किस्म के स्कूटर्स पसंद करने लगे हैं, जिस तरह से होंडा और काइनेटिक और बहुत सारी दूसरी कंपनीज आई जो कि थोड़े मॉडर्न स्कूटर्स लेके आए, बट फिर भी आई थिंक दे हैव डन द राइट थिंग्स। और मिस्टर राहुल बजाज हमेशा चाहते थे कि स्कूटर्स हों, और जो उनके पुत्र हैं वो नहीं चाहते थे स्कूटर्स हों, बट एनीवे आई थिंक यू नो दे हैव रिकनसाइल्ड ऑन समथिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑटो क्षेत्र में यहाँ से गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए। टाटा मोटर्स खास करके जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 150-160 आ सकता है अगर आप कोई मीडियम से लॉन्ग टर्म लेते हैं।
चलिए ठीक है, ये तो हुई राय ऑटो सेक्टर और स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर। इस बीच अनिल जी की स्ट्रेटजी एकदम रेडी तैयार है, उससे पहले हाँ बिल्कुल तैयार है, लेकिन उससे पहले एक बार चार्ट कॉर्नर का बिगुल एक बार बजाना होगा राकेश जी और कुणाल जी के लिए। बताइए सर, खरीदारी की राय है डीवीज लैब पर फार्मा पैक के अंदर। डीवीज का टेक्निकल रुझान काफी अच्छा लग रहा है, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए 1700 के ऊपर ये ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है चार्ट पर, वॉल्यूम एडिशन बहुत शानदार है। मौजूदा स्तरों पर डीवीज को बाय करने की हमारी राय है। 1705 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें, 1705 पर पहला टारगेट 1740 रुपए का और दूसरा टारगेट 1755 रुपए का होगा, तो 1740-1755 के लिए बाय करना है, 1705 पर स्टॉप लॉस रखना है। डीवीज लैब 1740-1755 खरीदारी की राय, टारगेट ये है आपके लिए 1705 का लगाना है स्टॉप, 1720 पर ले लीजिए। आइए अगला बिगुल वागले साहब के लिए बीटीएस टीटी का। बोलिए सर, खरीदेंगे बेचेंगे? अनिल जी बाय करूंगा, नेस्ले 14,318 के लेवल पे एक 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 14,280 का, और मुझे लगता है ये 100 से 120 पॉइंट ऊपर यहाँ से जाना चाहिए। सो 1:2 ए बीटीएसटी ट्रेड सेटअप ये कल के दिन के लिए कॉल है। 14,425 पहला टारगेट रख लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल 450 कर दीजिए, 450 भी कर दीजिए, 425-450 तक के टारगेट के लिए, परफेक्ट। ओके, अब स्ट्रेटजी रेडी है, बिल्कुल रेडी है, बिगुल बजाइए। ठीक है, बिगुल बजाइए। ओके, तो एक बार ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन देख लेते हैं किस तरह का है। पहले यूएस के फ्यूचर्स किस तरह से कारोबार कर रहे हैं, 86 पॉइंट थोड़ा नीचे है, 50 पॉइंट थे सुबह की जहां तक बात है, अब वो बढ़कर ऑलमोस्ट दोगुनी होगी, 90 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आएगी। एक बार जरा यूरोपियन मार्केट्स देख लेते हैं, वहां पे किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादातर वहां पे भी गिरावट ही है, 1/4% ही सही, लेकिन गिरावट के साथ वहां कारोबार हो रहा है। जर्मनी के बाजार जरूर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हर निशान में अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन एशिया कैसे बंद हुआ, वहां पे किस तरह के ट्रेड्स देखने को मिले। हैंगसेंग काफी वॉलेटाइल था, 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, निकेई भी अपनी बढ़त 1% के ऊपर बरकरार रखने में कामयाब रहा, और शंघाई यहाँ पे एक्शन था 0.5% की कमजोरी का। क्रूड देख लेते हैं, उसके बाद रुपया देखेंगे और फिर चलेंगे अनिल जी के पास। क्रूड 5850 यही लेवल से सुबह भी जहाँ तक बात है, और रुपया भी 7150 के आसपास के लेवल फिलहाल देखने को मिल रहे। तो कोई यूएस फ्यूचर्स को छोड़ दीजिए, कोई बहुत बड़ी गिरावट या तेजी के संकेत फिलहाल नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन हाँ मार्केट ऊपरी स्तरों से जरूर फिसले हैं। 0.5% नीचे बैंक निफ्टी है और निफ्टी आपको दिखेगा फ्लैट। पहले एक बार इंट्राडे चार्ट देख लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट दिन में एक डिप मार, एक तो है ना ये आजकल है ना मार्केट में एक प्रॉब्लम बड़ी हो गई है पिछले 3 सेशन से, आज का मिला के आखिर का 1.5 घंटा। आपने सुबह भी कहा था, सुबह भी बोला था कि आपने कहा ही था गिरेगा आज भी, आखिर के 1.5 घंटे में पक्का मौका मिलेगा, राइट? यही बात यही कहा था कि देखो पक्का मौका देगा। और दूसरी बात ये हुई थी कि बैंक निफ्टी लीड करेगा आज वापस, गिरावट कमजोरी यहाँ से आएगी, यहाँ पहले पता चलेगा। 0.5% बैंक निफ्टी नीचे है, निफ्टी एकदम फ्लैट है, इससे आप समझ लीजिए, करेक्ट? और वो भी तब जबकि बैंक निफ्टी काफी बढ़ के भी आया, 28,750 वो इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ पर शॉर्ट था एकदम, 28,750 से 28,900 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है, और देख लीजिए उसी लेवल से। हाँ, तो 28,550 28,402 टारगेट आ गए, 28,200 का अगला टारगेट है अगर ये 28,400 के नीचे बना। अच्छा, आप पहले क्या करना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी? नहीं, आप पहले आपका फेवरेट बताइए, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक बिल्कुल ठीक है, तो अब फ्रेश मंदी आपको तब करनी जब ये 28,400 के नीचे स्पॉट में ट्रेड करना शुरू करें। तो ठीक है, 28,400 के नीचे नहीं जाता तो ठीक है, इसने करेक्शन करना था कर लिया, 28,400 के नीचे शॉर्ट करें 28,200 तक के टारगेट के लिए। दूसरा तरीका ये 28,150 28,200 की रेंज में आता है तो वहाँ खरीद लीजिए, ठीक है? ठीक है, वहाँ वापस से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स नीचे इसलिए ठीक है, लेकिन ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं, रेंज के लोअर एंड पे लेंगे ना 28,050 से लेकर 28,200 परफेक्ट रेंज है जहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो मैं नीचे के लेवल पे खरीदने की सोच रहा हूँ, अगर 28,400 तोड़ा तो आपको 150-200 पॉइंट के लिए शॉर्ट करना है, सिंपल। ठीक है, 150-200 पॉइंट शॉर्ट करना है और नीचे में फिर आपको 250 के आसपास, और फ्रेश खरीदारी 28,550 के ऊपर, अगर ऊपर में लेना तो 28,550 के। तो मेरा ये समझना है कि कहीं कहीं शायद 28,400 से 28,550 की रेंज में आज वक्त बिता दे,
इस 150 पॉइंट की रेंज में ये तोड़ेगा, अगर ये यहाँ से तोड़ेगा तो फिर अलग बात है। 28,450 ये 150 पॉइंट की रेंज में शायद बचा हुआ समय निकाल देगा, ऊपर 550 के ऊपर तेजी शुरू हो जाएगी, 400 के नीचे मंदी शुरू होगी, 550 के ऊपर तेजी 200 पॉइंट की बनेगी, 400 के नीचे मंदी 200 पॉइंट की बनेगी, इधर वेज 200 पॉइंट, ठीक है क्लियर है। निफ्टी 11,400-11,425 एकदम परफेक्ट बाय जोन है, सुबह भी बोला था वहाँ आया भी वापस, वहाँ से 11,475 भी बनाया, अब भी वही है, आपकी तेजी की पोजीशन है तो क्लोजिंग बेसिस पर 11,400 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, अगर 11,400 के नीचे बंद होता तो ही आपको तेजी की पोजीशन कम करनी, खत्म नहीं करनी, वो भी कम करनी, जो मतलब जो आपने आज ऊपर के लेवल पर बनाई वो कम करिए, पुरानी अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो अभी भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मुझे नहीं लगता कि 11,400 के नीचे बंद देगा, उसकी रीजन बता दो संदीप। एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, 11,400 के पुट पर 46,00,000 शेयर हैं, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो वो होल्ड करेगा मार्केट, होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, और 11,500 पार नहीं होगा, 11,500 के बाद हम सुबह भी कर रहे थे कि ये पार नहीं होगा, करेक्ट, 11,500 पर 51,00,000 शेयर है जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, 11,500 नहीं पार होगा, लगता नहीं अभी कोई सिचुएशन देखते हो कि एक्सपायरी तक 11,500 आप पार कर पाएंगे, मुश्किल लग रहा है डेटा देखिए, सुबह भी आप ठीक है, तो ऊपर आ जाए वापस से 11,475 के आसपास तो वहाँ शॉर्ट कर दीजिए, और नीचे 11,400 के आसपास लेना चाहिए। बैंक निफ्टी की जो मैं बात कर रहा था 28,500 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, 28,500 के ऊपर ही तेजी इसलिए करनी है संदीप कि 28,500 पर 8,00,000 शेयर कॉल्स में है, मुझे नहीं लगता कि 28,500 के ऊपर बंद होने की कोशिश होगी, 28,500-28,550 भी आज बंद हो जाए तो बड़ा अचीवमेंट है, सिंपल है, तो थोड़ा सावधान रहिए बस। 28,500 निफ्टी बैंक और 11,500 निफ्टी ये दोनों के लिए पार करना या उसके ऊपर क्लोजिंग देना ये हो सकता है आज के लिए, नहीं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो 28,750 है, वो जो लेवल आपका 28,500 का निफ्टी का है वो बैंक निफ्टी के लिए 28,750 हाँ 28,750 ठीक है। चलिए तो ये रणनीति है, एक रेंज आपको बताई गई है, लेवल्स को ध्यान में रखिए, आपको कोई भी पोजीशन अगर इधर वेस्ट ऊपर या नीचे की ओर बनानी है तो। चलिए कुछ और स्टॉक्स की ओर फोकस करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, एक स्टॉक जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छा इजाफा है आज के सेशन में वो है महानगर गैस का, ये स्टॉक आप देखिए 2.5% के आसपास की अब आपको बढ़त यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिमी जी जरा इसके चार्ट देखिए, महानगर गैस के अगला रेजिस्टेंस क्या है, अपसाइड की गुंजाइश और कितनी है इसमें? संदीप चार्ट तो स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि 900 ये स्टॉक 980-985 तक तो जा ही सकता है, उसी के आसपास ही अभी है और 985 के ऊपर अगर क्लोज कर पाता है तो इसमें थोड़ा बहुत और देखने को मिलेगा तेज़ी। 1000 का लेवल क्रॉस करेगा, 1000 से 1020 का नेक्स्ट टारगेट होगा, तो पहला जो पड़ाव है वो 980-85 का है जिसके आसपास अभी ये स्टॉक है, मेंटेन कर रहा है, क्लोजिंग इससे ऊपर चाहिए 1000 से 1020 का टारगेट के लिए। ठीक है, ये राय है महानगर गैस की जहाँ तक बात है, लेकिन एक स्टॉक जो कि आज गिरावट की साइड में है तो फिर लाल निशान में आज कारोबार करता हुआ दिख रहा है वो है कैस्ट्रोल का, अमूमन काफ़ी कम हम देखें कि स्टॉक में ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है, आज 3.5% नीचे है और ओपन इंटरेस्ट देखिए 21% का इजाफा है इसके ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है, तो शॉर्ट पोजीशन शायद बनती हुई दिखी है। किरण जी जरा एक बार कैस्ट्रोल के चार्ट देखिए, ये क्या आपको भी शॉर्ट फॉर्मेशन दिख रहा है स्टॉक में, अगला स्टॉप लॉस बताइए या तो फिर अगला सपोर्ट बताइए स्टॉक की जहाँ तक बात है, यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं? इधर शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसने आज एक बहुत अच्छा सपोर्ट था उसी पे ट्रेड कर रहा है 130 का, इसके नीचे कंसिस्टेंटली रहता है तो मेरा मानना है कि 126-124 की बात करूंगा। एक्चुअली ये सवेरे एक स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम से चल रहा था और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 134.50 पे हो गया है, कल इसमें एक अच्छा बाय देखने को मिल रहा था, तो मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से 130 के नीचे फ्रेश शॉर्ट्स बनने चालू हो जाएंगे, 126-124 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। राकेश जी जरा एक बार टाटा पावर के चार्ट देखिए, 58 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में, 3% नीचे है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, डे लो के आसपास कारोबार कर रहा है, इसने भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है आज के सेशन में? देखिए संदीप जी यहाँ पर भी चार्ट्स नेगेटिव हैं, इस स्टॉक का तो स्ट्रक्चर पहले से ही नेगेटिव था, आज जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, अब 60 रुपीज एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 56 रुपए के अराउंड आता है, यहाँ पे किसी तरह की खरीदारी की राय नहीं है, कोई भी उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, उछाल में निकले खरीदे नहीं, ये बात सही है, और बीच में भी प्रमोटर्स खरीदे तो तब ऐसा लगा कि ये चल जाएगा। चोपड़ा साहब इसको तकलीफ क्या है ये बताइए, जब टाटा का नाम लगा हुआ आगे, खुद प्रमोटर ने खरीदारी भी की, कितने 80 रुपए में की थी, 70 में की थी, 70 में की थी,
उसके बावजूद 58 हो गया, ऐसा क्यों? माफ कीजिएगा अनिल जी, कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? टाटा पावर। बीच में आपने देखा होगा ना, बहुत दिनों तक, दो तीन दिनों तक लगातार प्रमोटर खरीद रहे थे इसको और ऐसा हमको लगा कि भाई टाटा का स्टॉक है, प्रमोटर भी ले रहे तो सबको ले लेना चाहिए। जी जी, नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, हालांकि एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा मैं कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें इसमें 51 रुपए का 50 51 रुपए का। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं लगती। मुझे लगता है टाटा पावर यहाँ से चलना शुरू होगा तो 80-85 जाना चाहिए, क्योंकि इनका टैरिफ्स के ऊपर भी एक रूलिंग आ गई थी कि ये लोग अपना टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते अदानी पावर और टाटा पावर दोनों ही तेज़ी इन्होंने पकड़ी थी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, हाँ ट्रेडर्स के लिए नो डाउट बहुत परेशान करता है, इसमें 5-6 रुपए का मूवमेंट होता है और क्योंकि FNO स्टॉक है, लॉट साइज़ बड़ा है, तो दिक्कत में आ जाते हैं ट्रेडर्स और एग्जिट कर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कंपनी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता। और हालांकि बाज़ार इतने वॉलेटाइल है इसलिए मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ 50 रुपए का, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल लेके बैठे हैं अनिल जी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं नज़र आती। चलिए, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराइए मत। ओके, राजेश पालिवा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज है बुधवार। आप कहेंगे बुधवार को क्या खास होता है, बुधवार को तो कुछ नहीं होता, सोमवार को मंडे की शुरुआत होती है, शुक्रवार को क्लोज होता है और गुरुवार एक्सपायरी होती है, तो फिर बुधवार को क्या है संदीप? ऑप्शन। हाँ, क्या ऑप्शन है? ऑफिस आने का या नहीं आने का? नहीं आना है। अच्छा, बुधवार को होता है एक्सपायरी का ऑप्शन, एक दिन पहले। बताने के लिए तैयार है राजेश पालिवा साहब बिगुल के बारे। इसका मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है एक्चुअली, ये वाला है ना, कैसे कमजोर मार्केट में कितना सूदिंग है एकदम, कैसे मेरे मन में यही बात है ना, बहुत बढ़िया। राजेश जी, कोई बढ़िया सा ऑप्शन बताइए एक्सपायरी को ट्रेड करने के लिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, ऑप्शन के थ्रू हम स्ट्रेटेजी के थ्रू प्ले करेंगे एक्सपायरी को। अभी अगर हम देखें तो आप भी अभी जो जिस तरीके से डेटा एनालाइज कर रहे थे उसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है 11,400 पे जो हम ये वीकली एक्सपायरी है उसमें भी मैक्सिमम पुट राइटर 11,400 पे एग्रेसिव है और 11,500, तो मोटा मोटा व्यू ये बन रहा है कि हम कहीं ना कहीं 11,400 से 500 के बीच में ही कहीं एक्सपायरी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक कॉम्बिनेशन लिया है, स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन कॉन्डर, उसमें हम एक शॉर्ट स्ट्रेडल है और एक लॉन्ग स्ट्रैंगल है, दोनों का कॉम्बिनेशन से स्ट्रेटेजी बनेगी। तो हम 11,450 के कॉल पुट दोनों बेचेंगे, सो करंट वीकली सीरीज के 11,450 का कॉल बेचेंगे हम। करीब जब स्ट्रेटेजी मैंने बेची थी करीब 44 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट हम लोग ये स्ट्रेटेजी में 85 से 89 तक का इनफ्लो आ रहा है हमारा 11,450 के कॉल पुट बेचने में। ऑलमोस्ट दोनों का रेट 44-45 के आसपास ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा अभी मार्केट में मूवमेंट आया तो रेट थोड़े से चेंज हो गए, तो बट फिर भी मुझे लगता है कि 85 से 89 के आसपास इसमें इन्फ्लो आना चाहिए ये हम जब राइट करेंगे तो दोनों कॉल पुट। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है अगर बड़ा मूव आ जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम 11,550 का कॉल बाय करेंगे जो कि करीब 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 11,350 का पुट डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय करेंगे जो कि करीब 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमारा कुछ 21 रुपए का आउटफ्लो रहेगा, तो 89 का इनफ्लो है और 21 रुपए इसका आउटफ्लो है, तो इसमें नेट नेट में हमें 68 रुपीज का इन्फ्लो आएगा इस स्ट्रेटेजी को इनिशिएट करने में। और इसमें जो मैक्सिमम रिस्क या मैक्सिमम लॉस जो होगा स्ट्रेटेजी का वो होगा 2400 रुपए का मैक्सिमम, अगर हम 11,518 के ऊपर एक्सपायरी करते हैं या 11,382 के नीचे एक्सपायर करते हैं, तो अदरवाइज इस रेंज में कहीं भी रहेगा मार्केट तो हमें प्रॉफिट रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 11,450 पे जो कि होगा करीब 5,100 के आसपास। तो जो डेटा के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी 11,400 से 11,500 की रेंज में ही प्ले होना चाहिए, और इसके बीच में कहीं भी एक्सपायर होगा तो हमें प्रॉफिट बनेगा स्ट्रेटेजी में। रिस्क फैक्टर सिर्फ स्टार्ट होगा जो कि मैक्सिमम रिस्क होगी वो 11,518 के बाद 2400 रुपए की होगी, या अगर 11,382 का लेवल तोड़ेगा तो 2400 रुपए का लॉस अगर उसके नीचे जाता है एक्सपायरी। तो आप ये चाहते हैं कि 11,450 पे एक्सपायरी हो जाए निफ्टी की, बराबर है? जी हाँ बिल्कुल, करवाते हैं सर, बिल्कुल आपके लिए लगे आपके लिए। इसका कुछ आपने बड़ा नाम बताया था जो मैंने पहली बार ही सुना इस स्ट्रेटेजी का,
आयरन काउंटर बोलते हैं इसको, लॉक कर देते हैं इसको चारों तरफ से हम स्ट्रेटेजी को, इसको बॉक्स भी बोल सकते हैं, बॉक्स में थोड़ा सा अलग प्ले होता है, बट इसमें जहां से हमारी रिस्क स्टार्ट होती है वहीं पे हम कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं जिस रिस्क से। तो ऑलमोस्ट हम जब मॉर्निंग में इसको वर्कआउट कर रहे थे तो कुछ 100 रुपए की प्रीमियम इन्फ्लो हो रही थी 11,450 के कॉल पुट बेचने में, तो हम 11,550 पे इसको ब्लॉक कर रहे थे ताकि अनलिमिटेड रिस्क से हम बच सके, और नीचे में हम 11,350 का पुट खरीद के इसको ब्लॉक कर रहे थे आयरन काउंटर। तो ये शॉर्ट ट्रेडर और आगे क्या बताया, कॉन्डर अच्छा या हाँ। तो ये दो स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है, शॉर्ट स्ट्रेडल करेंगे और लॉन्ग स्ट्रैंगल करेंगे, तो दोनों को कंबाइन करेंगे। इसमें जो नाम रखा उसका कोई इस स्ट्रेटेजी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन है ऐसा, कोई मतलब ऐसा या बच्चे के नामकरण जैसा होता, बच्चे के जन्म पे नामकरण कर दो फिर वो जैसा भी निकले निकले, मतलब नाम तो रख ही लिया जाता है, क्यों संदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, आयन कॉन्डर जी, बहुत ही बढ़िया सर, वेरी गुड स्ट्रेटेजी, जितनी इंटरेस्टिंग है उतने इंटरेस्टिंग इसका नाम भी है। शुक्रिया राजेश जी, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे। आइए अब बताते हैं वो शेयर इस कड़ी में जो आपको नतीजों से पहले जान लेना जरूरी है। बिगुल के बाद दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांशु बताइए, जैसे कि कल क्लोजिंग में भी हम HUL और उसके बाद FMCG का क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे थे, आज इमामी पे आप नजर डालिए, 4% तेजी आ रही है स्टॉक में, नतीजे स्टेबल आएंगे, कुछ मेट्रिक्स में अच्छे भी आ सकते हैं, जो ओवरऑल सेल्स है उनकी उसमें 5% की बढ़त आने वाली है YOY बेसिस पे, वहीं प्रॉफिट में भी सिमिलरली बढ़त देखने को मिलेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे बढ़त आ सकती है, मार्जिन्स में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा, बल्कि 2% मार्जिन्स में फॉल हो सकता है वेरियस फैक्टर्स की वजह से, पर एबिटा जो है ऑपरेशनली भी एक अच्छा क्वार्टर रहेगा, 4% की बढ़त आएगी, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ इस पर कड़ी नजर रखिएगा, उसमें कुछ अनुमान 8% तक की जंप बता रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ में शायद थोड़ा प्रेशर हो बट डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ इनकी अच्छी हो सकती है, तो उधर एक ध्यान रखना पड़ेगा, मिंथा के दाम जो दोनों ही क्वार्टर्स में वहां पर भी उन्हें फायदा मिलने वाला है, तो इमामी में शायद कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं अगर हम उनकी अर्निंग्स देखें, वॉल्यूम ग्रोथ ट्रेंड्स डिमांड ट्रेंड्स तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, केश किंग जिसमें वो मार्केट लीडर हैं उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है इस बार, और आगे जाके भी रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ा और उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, तो ओवरऑल इमामी के रिजल्ट्स थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं, इसलिए इस स्टॉक को ध्यान रखिएगा। किस दिन आ रहे हैं नतीजे इसके दीपांश? अगले हफ्ते शायद वेडनेसडे को इसके नतीजे आएंगे। ठीक है, तो अगले बुधवार नंबर्स आने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव सरप्राइज की आप उम्मीद कर सकते हैं, खासतौर पर जिस तरह से इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई और वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है कि 8% के आसपास की आ जाए, 8% वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी बोली जाएगी, बढ़िया रहेगी इस क्वार्टर में, खासतौर पर जब हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं तो वो हिसाब से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ अगर आ जाती है तो बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नंबर्स में देखने को मिल सकता है, तो ये स्टॉक है जिस पर आप ध्यान लगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दीपांशु आपका शुक्रिया, इससे पहले आप चार्ट कॉर्नर के लिए एक बिगुल है राकेश जी और कुणाल जी के लिए। बताइए सर। संदीप जी बिकवाली की राय है मुथूत फाइनेंस पर, देखिए एनबीएफसी वीक हैं और मुथूत फाइनेंस ने कल भी पार्टिसिपेट नहीं करा रैली में और आज भी नहीं करा, और आज ये स्टॉक एक कंफर्टेबल एक ब्रेकडाउन दे रहा है 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे, इसने क्लियर एक ब्रेकडाउन दिया है मोमेंटम के नजरिए से, यहाँ पर बिकवाली की राय है, ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका पैटर्न मुझे बेहद कमजोर लगता है, यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग टॉप पैटर्न कहते हैं और इसका ब्रेकडाउन आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है, कल भी इसमें गिरावट आई लेकिन फिर एक रिकवरी आ गई, आज इसमें जिस तरह की गिरावट आती हुई दिख रही है ये शेयर मुझे लगता है कि अब 620 तक नीचे जा सकता है, तो इन स्तरों पर शॉर्ट करें, 635 रुपए का पहला टारगेट रखें, 627 रुपए का दूसरा लक्ष्य रखें और 651 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर इन स्तरों पर मुथूत को बेचने की राय। 651 रुपये आपका स्टॉप लॉस है, 635 और उसके बाद 620 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो मुथूत में आप शॉर्ट करके चलिए। इस बीच किरण जी के लिए एक बिगुल है BTS डबल टी का, ये आप स्कूल में जब सीखते थे ये सारे ABCD और उसके बाद के जो वर्ड्स तो कैसे बोलते थे, मतलब गुड को GOOD बोलते थे, GOOD कैसे, तो फिर BTSTT को BTSTT बोलेंगे सर, दोनों ही सही है वैसे, हाँ कैसे भी कर लीजिए, वैसे तो इंग्लिश बड़ी फनी लैंग्वेज है, जैसे कैसे भी आप बोलिए, कैसे फनी लैंग्वेज, कैसे कुछ तो है आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है, मैं चले स्टॉक मार्केट के हिसाब से बोलता बताओ CIPLA सिप्ला CAT कैसे हो सकता है फिर,
अच्छा सैट होना चाहिए अच्छा वैसा या तो किपला होना चाहिए चलिए कोई बात नहीं कुछ तो है जो इंग्लिश में गड़बड़ वाला मामला है जो समझ में नहीं आता खाली बंसल जी है जो हमारे हर दवा का नाम पढ़ लेते समझ लेते हैं ओके किरण जी आपका भी गुल बच चुका है बताइए सर ओह किरण जी तक आवाज नहीं पहुंची लगता है ठीक है किरण जी आवाज आ रही है आपको आ रही है बताइए सर अच्छा बिकवाली की राय है और चोला फाइनेंस ये बेच के चलना चाहिए ये एक ऐसा काउंटर है जहां पे मार्केट ने जो अपमूव दिया था उधर भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था एक नया लो पे ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं करीबन 15% के मेरा मानना है कि ये काफी बड़ी डाउनसाइड कल आज और कल देखने को मिलेगी आज के लिए मेरा टारगेट रहेगा करीबन 266 का और कल के लिए मेरा टारगेट रहेगा करीबन 260 का अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो उसमें भी काफी इसमें पोजीशंस देखने को मिल रही है 260-250 के स्ट्राइक प्राइस पे काफी अच्छी एक्टिविटी बिल्टअप होते नजर आ रही है तो मेरा मानना है कि ये एक काफी अच्छा शॉर्ट कॉल रहेगा इस काउंटर पे ओके स्टॉप लॉस तो बोले नहीं आपने चोला फाइनेंस हाँ स्टॉप लॉस अच्छा स्टॉप लॉस 274 सिर्फ 4 रुपए ऊपर 3.5 रुपए ऊपर ओके 274 का स्टॉप लॉस है 3.5-4 रुपए ऊपर ओह चार्ट तो बहुत ही ढीला दिख रहा है सुबह से गिरे ही जा रहा है 266-260 तक गिर जाएगा ऐसा लग रहा है जिस तरह से गिर रहा है उसको देखते हुए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के चंदन तापड़िया साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बिगुल चंदन जी बोलिए सर ये नमस्कार देखिए बाजार में पिछले 4 दिनों से बढ़त है और आज भी देखें डिक्लाइन आने के बाद वापस नीचे के लेवल से रिकवरी हो रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीरीज में बाजार वॉल्यूम वेटेज के ऊपर है तो 11500 तक का अटेम्प्ट कर सकता है तो इसलिए वीकली जो कल एक्सपायरी हो रही है उसी की इंदमन की कॉल को खरीदारी की सलाह रहेगी 60 रुपए के आसपास कॉल लीजिए थोड़ी बढ़ चुकी है तो 65 के आसपास ले लें और यहाँ पे 35 रुपए का स्टॉप लॉस और मेरा मानना है कि ये कॉल 110 रुपए तक जानी चाहिए एक मिनट कौन सा 11450 वाला है ना 11500 वाला 411-400 इंदमनी कॉल खरीद रहे हो आप जी हाँ क्यों देखिए ये जब रिकमेंड कर रहे थे तो निफ्टी ऑलरेडी यहाँ से 35-40 पॉइंट नीचे था और मेरा मानना है कि इसमें 400 वाली कॉल में मूवमेंट साथ में आएगा कम्पेयर टू 450 अच्छा तो 11400 वाला कॉल कितने में खरीदना है 65 रुपए में ठीक है हाँ स्टॉप लॉस कितना लगाना है 35 और 110 का टारगेट जी ये कल वाला ही है ना जी कल वाला है और मेरे हिसाब से 90 रुपए तक तो अभी चला जाएगा अभी मतलब अभी 3:30 के पहले जी वाह क्या बात है चंदन जी अच्छा दूसरा वाला ऑप्शन दूसरा यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस पूरे स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट है और आईसीसी प्रूफ में हम लगातार यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आईसीसी प्रूफ में मेरे को लग रहा है कि रिसेंट जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा स्टॉक में ओवरऑल बिल्टअप भी यहाँ पे लॉन्ग की साइड में ही हो रहा है इसलिए इसकी 470 की कॉल लेने की सलाह रहेगी 470 की कॉल लगभग आप 11 रुपए के आसपास ले 7 रुपए का स्टॉप लॉस और यहाँ पे 20-22 रुपए का टारगेट बनेंगे 20-22 का टारगेट 11 रुपए में खरीदना है 7 रुपए का स्टॉप लॉस और अभी चल रहा है 465 तो 470 का कॉल ऑप्शन चंदन जी शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए चोपड़ा जी ये सारे के सारे आज इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से भागे हैं चाहे वो जनरल वाले हो और लाइफ वाले हो आपको अगर सब में मिला के कोई एक इंश्योरेंस खरीदना है लाइफ या जनरल प्राइवेट या फिर सरकारी कौन सा नंबर वन शेयर मैं भी चंदन जी के साथ हूँ ICICI अप्रूव मैंने पहले भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया है करीब 410-415 के स्तर पे और ये बात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास जो पैसा आता है वो काफ़ी लंबी अवधि के लिए आता है खास करके लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए तो 25 साल से 30 साल की पेमेंट टर्म होती है तो पैसा रुकता है और कभी भी किसी भी कंपनी को किसी भी फंड मैनेजर को अगर समय दिया जाए और अच्छे स्टॉक पिकिंग वो कर पाए तो रिटर्न्स निकालना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता अनिल जी प्रॉब्लम होती है जब हमको 1-8 साल के अंदर ही कुछ चमत्कार करना होता है जो कि कई बार बहुत कठिन हो जाता है ऐसे स्टॉक मार्केट्स में जो पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा तो मुझे लगता है कि ICICI पोटेंशियल एक अच्छा स्टॉक है और HDFC और ICICI मैं एक बार फिर बोलूँगा टॉप अग्रणी कंपनियाँ हैं और इनकी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं
बहुत अच्छी हैं और लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव से इनमें बाइंग की जा सकती है। और जैसे जो आज रुझान दिख रहा है सेक्टर रोटेशन होता है, तो सेक्टर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सेक्टर में एकदम से रुझान बढ़ा और एकदम से इसमें तेज़ी देखने को मिली है। मगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इसमें बेडर के बिना डर के बेझिझक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसे ऐसे पोटेंशियल 550 तक भी जा सकता है, 550 तक भी जा सकता है। ऐसे पोटेंशियल में आप लंबी अवधि के नज़रिए से खरीदारी कर सकते हैं। ये राय है चोपड़ा जी की ओर से। लेकिन आज स्टील कंपनियां भी फोकस में हैं। दरअसल स्टील कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है और इस खबर की वजह से इन कंपनियों के शेयर में आप देखिए अच्छी तेज़ी भी आ सकती है और रिजिलियंट भी आपको नजर आएंगे। बाजार में भले ही उठा पटक है लेकिन इन शेयरों में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है। आखिर ये खबर है क्या और इसका किस तरह से पॉजिटिव असर होता हुआ दिखेगा, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। आशीष बताइए क्या खबर आ रही है स्टील कंपनियों को लेकर और किस तरह से फायदा आता हुआ दिखेगा। संदीप, लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर के लिए कोई अच्छी खबर आई है, खास तौर पर स्टील कंपनियों में। वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था है कि जो फ्लैट रोल्ड स्टील होता है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि पिछले साल से हम देखें तो चाइना, वियतनाम और साउथ कोरिया से इम्पोर्ट्स काफ़ी बढ़ते हुए दिखा है। तो अब वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव है कि 28 से लेके $200 प्रति 1,000 किलो पर ये ड्यूटी लगाई जाएगी। देखिए ये विडंबना की बात है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, फिर भी हम अपनी स्टील की ज़रूरत को 160 देशों से पूरा करते हैं। इसमें टॉप पे अगर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया आता है, क्योंकि यहाँ पर साउथ कोरिया को फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का भी फ़ायदा मिल जाता है। तो वहाँ से जो स्टील इम्पोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सस्ता होता है। 33% जो टोटल इम्पोर्ट्स हैं FY18 की बात करें तो करीब 7.6 MMT का इम्पोर्ट हुआ था, जिसमें 33% योगदान साउथ कोरिया की तरफ से हुआ है, चीन की तरफ से 20%, जापान से 14% और वियतनाम से 4%। अभी देखिए कि सब लगभग जो मेजर टॉप कंपनियाज हैं स्टील की, जो JSW स्टील है, टाटा स्टील और सेल, ये सभी फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स काफ़ी बना दिए हैं। तो इन तीनों को इस खबर से फ़ायदा होते हुए दिखेगा। ड्यूटी की यहाँ पे बातचीत है जिसका फ़ायदा यहाँ पे कई सारी जो स्टील कंपनीज में, अब टाटा स्टील देखिए, सेल देखिए, JSW स्टील देखिए, इनमें कहीं ना कहीं आता हुआ दिख सकता है। एक बार चोपड़ा साहब आप भी अपनी राय बताइए स्टील कंपनियों पे जो खबर है, आपको लगता है कि पॉजिटिव है, कोई स्टील का जुड़ा हुआ स्टॉक या मेटल स्टॉक आपके रडार पे भी है? देखिए मेटल स्टॉक्स काफ़ी सारे अच्छे लग रहे हैं इसमें, पर टाटा स्टील अनडाउटेडली मुझे हिंडाल्को बहुत अच्छा लगता है और साथ में वेदांता भी अच्छा लगता है। हालांकि वेदांता थोड़ा सा डाउन है, मगर वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखें, और आप ये देखिए हिंडाल्को ऐसी कंपनी यदि आप यहाँ पर लेते हैं, निफ्टी कंपनी है, मुझे नहीं लगता ये कोई 180-190 में कोई बुरा भाव है इसका। और जब थोड़े से भी इकोनॉमिक रिवाइवल आएंगे, खपत शुरू होगी, प्रोडक्शन दोबारा से शुरू होगी, ऑटो क्षेत्र में थोड़ा रिवाइवल आएगा, ग्लोबल थोड़ा सा रिवाइवल आएगा, लगता है मेटल्स बहुत अच्छा करेंगे। और जो ट्रेड डील है उसमें भी कुछ अभी तक तो नेगेटिव खबरें नहीं आई हैं, पॉजिटिव खबरें ही आई हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस समय ग्लोबल इकोनॉमी शेप में है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी होगा। और ट्रंप साहब को यदि दूसरा इलेक्शन जीतना है तो उनको थोड़े से पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब तक तो वो अनपॉपुलिस्ट मेजर्स लेते आए हैं। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं मुझे लगता है ट्रेड डील कुछ हद तक पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब जो अगर ये ट्रेड डील पॉजिटिव होगी तो नो डाउट मेटल्स में थोड़ी सी जान आएगी और बहुत ज़्यादा पिटे पड़े हैं। मुझे लगता है कि टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदे जा सकते हैं। तो लंबी अवधि के नज़रिए से टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, ये तीन स्टॉक हैं जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इस बीच कल के 2000 आने की तैयारी में हैं, रेडी है बिल्कुल बजा जाए? हाँ बजा दो, उस क्या है, ठीक है कल के 2000 के लिए एक बिल्कुल। सुबह तो आपने दो शॉट बताए थे, तो हैट्रिक कर दें पूरा काम कंप्लीट हो जाए। देखो मार्केट तो नीचे ही, और दोनों स्टॉक हमारे बोलने के बाद थोड़े नीचे भी आए हैं। मारुति 6900 के बेहद नज़दीक पहुंचा था और दूसरा दिया था इंडिगो, जो 1700 के बेहद नज़दीक पहुंचा था। कुणाल जी और राकेश जी का तो पहला टारगेट 1710 का हासिल भी हुआ, मेरा 1700 का पहले था, उसके बेहद नज़दीक पहुंचा, 1706 का लो बनाया था शायद। तो दो है कमजोरी है। अब तीसरा कमजोर शेयर आपको देना चाहता हूँ शॉर्ट करने के लिए आज से, मनापुरम जनरल फाइनेंस। अभी मुथुट किसने बोला था, राकेश जी कुणाल। देखिए मुथुट फाइनेंस गया, कमजोर है। उसके बाद आप दिखाइए कर्नाटक बैंक, क्या वो भी कमजोर है? ठीक है, तीसरा दिखाइए आप फेडरल बैंक, वो भी कमजोर। बताइए फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक और मुथुट, तीनों स्टॉक एक एक करके दिखाइए जरा। आइए देखिए फेडरल बैंक कितना नीचे है, 3 रुपये करीबन, ओके यानी कि 3%।
और कर्नाटक बैंक, उसके भी रिजल्ट आ गए, कल शाम को आ गए तो वो भी देख लीजिए कर्नाटक बैंक का भी। कर्नाटक बैंक क्या, कर्नाटक से बाहर चला गया क्या? ओके, आने वक्त लगा 3% और मुथूट भी आपका नीचे। मुथूट आपको याद होगा 685 पे मैंने पिछले हफ्ते में शॉर्ट करने की राय दी थी, ये बोल के कि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, रिजल्ट्स के पहले गिर सकता है। सिमिलर सिचुएशन मनापुरम के लिए जहाँ पर अब बिकवाली की राय है, क्योंकि इनके क्लाइंटल लगभग सेम है, इनके नतीजे लगभग सेम है, ये साउथ बेस्ड है सारे, मुथूट फेडरल और कर्नाटक, मिले जुले नतीजे एक डायरेक्शन के आते हैं, ठीक है। तो जो ये स्लो डाउन और ये जो सारी चीज़ें दिख रही है, एसेट क्वालिटी पर दबाव वाला जो मामला है, फेडरल में भी थोड़ा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये इस पर भी दिखेगा। मेरा ये मानना है मनापुरम जनरल फाइनेंस यहाँ पर सेफ शॉर्ट है, आज का जो हाई है 138.50 का वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है, चलेगा? चलेगा, ओके। अब नीचे आ जाइए, आप कितना गिर सकता है, 132 रुपये ये टारगेट बनता है, और 128 रुपये बहुत खराब हुआ तो, मार्केट खराब हुआ तो 128, नहीं तो 132 का टारगेट रखकर यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, 132 और 128 दो टारगेट के लिए। 132 पे 2000 बन जाएंगे, 2000 तो पहले बन जाएंगे, 2000 तो 134 पे बन जाएंगे आपके। अच्छा, 135-134 मेरे ख्याल से 2000 से तो ज़्यादा ही लोट होगा वैसे, हाँ तो 2000 तो जल्दी बन जाएंगे, लेकिन 132 का टारगेट रखिए, 132 का, अगर बाजार खराब हो जाता है तो फिर 128 तक। तो कुणाल जी, राकेश जी को एक बार पूछो, कुणाल जी जरा देखिए मनापुरम भी शॉर्ट किया जा सकता है कि आप मुथूट के लिए कह रहे थे? अनिल जी देखिए, बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए, मनापुरम में एक लेवल है और ये लेवल है 135 रुपये का फ्यूचर्स में। मुझे लगता है कि जैसे 135 के नीचे ये जाएगा तो इसमें और तेज़ी से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और फिर मुझे लगता है कि 132 तक कोई सपोर्ट नहीं है, तो 135 के नीचे शॉर्ट करें, 132 रुपये का टारगेट होगा, और 137 रुपये पर मेरी राय में फिर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आज फेडरल बैंक तो नीचे है ही है, चोलामंडलम पर अभी किरण जी ने कॉल दी है कि वो और गिरावट आ सकती है। अब बच गया यहाँ पे RBL बैंक, 2% ये भी नीचे है। एक बार सिमी जी जरा RBL बैंक के चार्ट देखिए, 260 रुपये के आसपास है, थोड़ा नीचे से रिकवर हुआ है, 2-2.5% के आसपास, 254 के आसपास का इसने लो बनाया है। अगला सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं क्या RBL बैंक को? संदीप, RBL बैंक मुझे तो वीक ही लगता है, और मुझे लगता है कि कोई भी लेवल्स पर ये अगर कोई उछाल मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट करके ही देखना चाहिए। थोड़ा बहुत और जब अब निचले स्तर से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है तो थोड़ा बहुत इंतज़ार करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये जाके बहुत जल्दी 270-275 का लेवल क्रॉस करेगा, 260 के आसपास अभी है, और मुझे लगता है कि वापस से ही वीक हो सकता है। अगर 260 के नीचे ये 5-10 मिनट मेंटेन करता है तो शॉर्ट करके लेके जाएंगे और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 252 से 245 का हो सकता है। तो 260 के नीचे 5 मिनट अगर ट्रेड करें तो शॉर्ट क्रिएट करके लेके जाएंगे 252 और 245 दो टारगेट्स के लिए। तो ये है RBL बैंक पर आपके लिए रहा, लेकिन इस बीच बाजार डे हाई पर फिर से आ रहा है। निफ्टी पर खासतौर से बहुत बेहतरीन खरीदारी होती दिखी निफ्टी पर पिछले कुछ मिनटों में, 11481 आज का हाई और 11471 पर आ चुका था, आखिरी मिनटों में मजबूती के साथ क्लोजिंग की तैयारी, 28550 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी, ये एक अच्छा संकेत है कि बढ़िया क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे। तो पिछले 3 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं आखिरी घंटे में बिकवाली आती है, आज भी आई, लेकिन आखिरी 15-20 मिनट में आधे घंटे में खरीदारी आती दिख रही है। ऐसे में वागले साहब खरीदेंगे या बेचेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। स्टॉक का नाम, बिकवाली या खरीदारी, बिगुल के बाद BTSEE। बताएं सर। अनिल जी, खरीदने की सलाह है अडानी एंटरप्राइजेस, मैंने मॉर्निंग में भी कहा था ये मेरा पहला स्टॉक था, हालांकि बहुत ज्यादा चला नहीं है और मुझे लगता है ये मूव कल गैप अप ओपन में आएगी, 161.10-161.15 के करंट भाव से खरीदिए, 158.50 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 165 का टारगेट होगा, 4 रुपये मुझे यहाँ से अपसाइड दिखते हैं जो कल आने चाहिए। ये तो वागले जी मैं आपसे पूछने भी वाला था कि आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए, पहले 155.50 का आपने सुबह दिया था, टारगेट आपने वही रखा है 165 का ही? हाँ, कल के लिए संदीप, कल गैप अप में उतना मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो 165 के टारगेट हैं, आपका जो स्टॉप लॉस नया आ गया वो आपके पास है 158.50 का। लेकिन आज आप देखिए जो जनरल इंश्योरेंस पे सी कंपनियाँ हैं जिसमें आप GIC देख लीजिए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिला है। क्यों आई है ये मजबूती, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं। एक कारण तो पूजा मैं आपको बता देता हूँ, आज सुबह हमारे साथ जैन साहब जुड़े थे, याद है आपको, पिक ऑफ द डे में उन्होंने GIC री बताया था, 20% का ऊपरी सर्किट भी स्टॉक लगा के आया आज के सेशन में।
तो एक कारण तो मैंने आपको बता दिया, पूजा आपके पास क्या कारण? जी मेरे पास यह कारण है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और उसके मुताबिक जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनियों का जो ग्रॉस प्रीमियम का आंकड़ा है वो अपने रिकॉर्ड हाई पर आ चुका है। मतलब अगर आप उसको देखेंगे कि जिस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है, स्लो ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद भी इन कंपनियों में जो प्रीमियम ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार दिख रही है और वो एक एनकरेजिंग साइन हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए माना जा रहा है। इसमें करीब 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनका की ग्रॉस प्रीमियम करीब 16% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है, जिसमें कि जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, इन जैसी कंपनियों के इंश्योरेंस जो ग्रोथ है वहां पर तो और भी अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है। इसमें अगर न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करेंगे जो कि आज सुबह से ही तेज़ है और इस वक्त अपर सर्किट पर भी आ चुका है, उसके प्रीमियम में तो टर्न अराउंड हम कह सकते हैं दिखा हुआ है। अगर औसत ग्रोथ देखेंगे तो 15-16% के आसपास रहती है, लेकिन अभी हाफ क्वार्टर ही बीता है, हम फर्स्ट हाफ ही हमने भी कंप्लीट किया है और इसी में एक शानदार ग्रोथ, एक शानदार आंकड़ा प्रीमियम के फ्रंट पर पोस्ट हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर हम ट्रेंड भी दिखाएंगे। ये ट्रेंड लगातार बढ़ ही रहा है FY15 से अगर कंपेयर करेंगे और अभी तक तो लगातार एक अप ट्रेंड देखा जा रहा है ग्रॉस प्रीमियम की जो ग्रोथ है उसमें, और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के केस में भी इस तरह की ग्रोथ ही देखी जा रही है। दोनों ही लिस्टेड कंपनियां हैं और जिस तरह का एनकरेजिंग साइन दिख रहा है ग्रॉस प्रीमियम के फ्रंट पर, ग्रोथ के फ्रंट पर, माना जा रहा है कि ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रह सकता है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी इन दोनों ही स्टॉक्स में सुबह से देखी जा रही है। तो ग्रॉस प्रीमियम इनके रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आ गए हैं, बहुत ले रहे हैं प्रीमियम, ज्यादा ले रहे हैं नहीं है ना? इंश्योरेंस भी तो लोग ज्यादा ले रहे हैं। हाँ अच्छा, वैसा ज्यादा लोगों के इंश्योरेंस खरीदने की वजह से प्रीमियम ज्यादा 20% बढ़ गया अचानक से, ऐसा लग रहा है मतलब कि क्या हुआ क्या ऐसा इनको? तो चोपड़ा साहब कह रहे थे मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खरीदूंगा तो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की होगी। चोपड़ा साहब, ये लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा पेनिट्रेशन या तो फिर ग्रोथ वाला सेक्टर आपको नजर आ रहा है या फिर जनरल वाला? आईसीआईसीआई प्रू आपने बताया, कोई जनरल वाली भी कंपनी पसंद है आपको? नो डाउट जनरल की पेनिट्रेशन कहीं ज्यादा है कॉर्पोरेट साइड पे है, और हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन कम है और जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। नो डाउट जनरल का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जनरल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मोटर इंश्योरेंस होता है। कहीं ना कहीं इस बात को मैंडेटरी किया हुआ है तो, और अब जैसे दिल्ली में चलान कटने शुरू हुए तो एकदम से सर्ज आया, हमने देखा इंश्योरेंस लोगों ने कराया जो मोटर इंश्योरेंस। तो जहाँ तक दोनों ही तरह के इंश्योरेंस की बात है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो लाइफ हो, मुझे लगता है पेनिट्रेशन अभी बहुत ज़्यादा होना बाकी है, पोटेंशियल बहुत है, और ख़ास करके लाइफ इंश्योरेंस का जो कि अभी तक मुझे लगता है कि बहुत कम जो अर्बन पॉपुलेशन है वही समझती है लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस। अदरवाइज़ तो रूरल या अगर आप सेमी अर्बन एरियाज़ में जाएं तो वहां पर अभी भी लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत कम है, और इसमें भी LIC का सबसे बड़ा योगदान है अगर आप अप कंट्री की बात करें। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो मोटा मोटी अर्बन एरियाज़ में ही हैं, तो चैलेंज अब यही है कि सेमी अर्बन या जो गांव हैं, तालुकाएं हैं, वहां तक लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए, और जो भी इस बिज़नेस में पहली पहल करेगा मुझे लगता है कि उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी और काफ़ी बिजनेस भी मिलेगा। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि इंश्योरेंस कंपनीज को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पैसा बहुत समय तक रुकता है इनके पास और प्रीमियम्स जनरली आते रहते हैं। सही बात है, लेकिन एक चीज़ जो बढ़िया बताइए अभी चोपड़ा साहब ने, को क्या दिल्ली में क्या किया था जब ट्रैफिक पुलिस वालों ने कुछ किया था तो अचानक से प्रीमियम बढ़ गई, लोग इंश्योरेंस लेने लगे? चोपड़ा साहब क्या हुआ था उस वक्त दिल्ली में? देखिए जब चलान बढ़ाए एकदम से, जब गडकरी साहब ने जो चलान के रेट्स हैं बहुत बढ़ा दिए गए थे, तो दिल्ली में हमने ये ट्रेंड देखा क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं। आई एम श्योर दूसरे देश के कोने कोने में ऐसा हुआ होगा, मगर दिल्ली में हमने ये ट्रेंड देखा और हमारी कंपनी में कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड काम भी होते हैं, तो एक इन जनरल किसी इंश्योरेंस के काफ़ी सीनियर व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बात व्यक्त करी कि पिछले 1-1.5 महीने में जो मोटर इंश्योरेंस का कारोबार है उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है और काफ़ी सारे लोगों ने इंश्योरेंस कराया। बहुत सारे लोग बिना इंश्योरेंस की गाड़ियाँ चला के चलते थे सड़कों पर और अब चलान कटने लगे हैं तो वो कराते हैं। इसके लिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है ओन डैमेज प्रीमियम और एक होता है थर्ड पार्टी जी। तो बहुत सारे लोगों ने मात्र अभी तक थर्ड पार्टी ही कराया क्योंकि एक कंप्लायंस है उस वजह से, बट मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कराएंगे। आपके जबरदस्त पकड़ है इंश्योरेंस, कल अनुराग ने भी लिंक किया था तो यही कहा था कि वो
पहले साल में लोगों ने थर्ड पार्टी वाला तो करवा लिया आगे का 3 साल का 5 साल का, लेकिन ओन डैमेज वाला नहीं करवाया ज़्यादा, तो ओन डैमेज में प्रीमियम लगती है। चलिए बढ़िया। अच्छा, रिस्क होती है एक्सीडेंट की, इस वजह से ही कराए जाते हैं। हाँ, मतलब अब हो रहे हैं चलान की वजह से। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, लेकिन बढ़ना चाहिए, बिजनेस बढ़ रहा है ये बात साफ है। बंसल जी कुछ कहना चाहते थे आप चोपड़ा साहब की बात पर? अनिल जी एक बात और कहना चाहूंगा। जी जी, पहले चोपड़ा साहब बोलते फिर बंसल जी के पास आता हूँ। जी, जनरल इंश्योरेंस का जो इंडिविजुअल लेवल पे पेनिट्रेशन है बहुत कम है। यदि आप विदेशों में देखें, यूएस में या यूरोप में, तो लोग अपनी नाखूनों की, अपनी स्किन की, या किसी की आंखें खूबसूरत हैं या कुछ भी बॉडी पार्ट्स का भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपना इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसका जो पेनिट्रेशन है अभी भारत ने देखा ही नहीं है। तो कई लोग अपनी आवाज़ की इंश्योरेंस कराते हैं, तो ऐसे भी केसेस सुनने में आए हैं विदेशों में कि एक बड़ा अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बड़े लोग, एंड दिस कम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस एंड नॉट अंडर लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में भी आएंगी और आगे आते हुए हम देखेंगे कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। अभी ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ों का करूँगा, लेकिन विस्तार में बाद में, अभी थोड़ी समय की एक कमी इसलिए जल्दी से एक बार मैं लिंक ले लूँ कुशल का। कुशल TVS मोटर्स के रिजल्ट बताने वाले कैसे आएंगे, बताएं कुशल। अनिल जी, नंबर्स जो है और सारे ऑटो स्पेस में ही खराब नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट TVS मोटर्स का अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो वहां पे करीब 28% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि टैक्स रेट में जो कटौती हुई है उससे 10% का फायदा होता हुआ नजर आएगा, पर उसके बावजूद भी 28% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिलेगी। साथ ही आय फ्रंट पर अगर देखें तो 13% की गिरावट यहाँ पे भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो 19% डिक्लाइन हुआ है। और उसके साथ साथ मार्जिन्स पर भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी 1% की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट्स देने शुरू किए थे और जो विज्ञापन खर्च है वो भी कंपनी का बढ़ा था, जिस वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये नंबर्स की बात है। TVS मोटर्स ना, किरण जी, TVS मोटर्स रिजल्ट के पहले खरीदना है बेचना है? देखिए, TVS मोटर का चार्ट पैटर्न न्यूट्रल है अभी के लिए, तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो 406 के स्टॉप लॉसेस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह होगी। इधर से एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि करीबन 223-224 तक जा सकता है, तो मेरा मानना है कि अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस लेने की सलाह नहीं होगी। अच्छा कुशल, ये PVR के नंबर्स भी तो आने वाले हैं, मुझे याद है छिछोरे और इसके अलावा कुछ और अच्छी अच्छी मूवीज आई थी इस क्वार्टर की, जहाँ तक बात है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ अच्छे नंबर्स की उम्मीद है? डेफिनेटली, नंबर्स तो अच्छे ही लग रहे हैं PVR के। इनफैक्ट काफी सारी लो बजट मूवीज आई थी जैसे मिशन मंगल, सुपर 30, तो इन जैसी ड्रीम गर्ल, तो इन ये 3-4 मूवीज हैं जो और भी लो बजट मूवीज हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा छुआ था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। या ऑफ कोर्स, सारी देखी आपने? इनमें छिछोरे नहीं देखी है। आपने? मैंने एक भी नहीं देखी। नहीं, अच्छा आपने नहीं देखी, लेकिन मैं आपको कहूंगा बाकी मैंने नहीं देखी, मैंने छिछोरे देखी है, मस्ट वॉच है, जरूर देखनी चाहिए। जरूर आने दो संदीप जी की तरफ से, जिस दिन कॉम्प्लीमेंट्री टिकट आएंगे मैं जरूर देखूंगा। मैं कह रहा हूं आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें मैसेज बहुत क्लियर है। अब मेरा भी मैसेज आपको बहुत क्लियर है। बताइए PVR का अनुमान। तो मुनाफे के लिहाज से 30% की बढ़त यहां पे देखने को मिल सकती है, 33 करोड़ के मुकाबले 43 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। साथ ही अगर आप आय देखेंगे तो वहां पे भी 22-23% की तेजी हो सकती है, 867 करोड़ की आय कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि SPI सिनेमा जो दक्षिण भारत की सिनेमा चेन है उसकी कंसोलिडेशन के बाद यहां पे आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। साथ ही मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो वो लेकिन लगभग जो है वो फ्लैट रहने का अनुमान है, क्योंकि ब्याज दर जो है, ब्याज की जो लागत है उसमें बढ़त हुई है, जिस वजह से मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर आता दिखेगा और मार्जिन्स फ्लैट रहने का अनुमान है। किरण जी, ये PVR का स्टॉक का कैसा लग रहा है, ये इसको लेंगे क्या आप नतीजों से पहले? अंडरकरंट देखने को मिल रहा है पर वो कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन 1840-1845 के ऊपर आएगा और मेरा मानना है फिर 1900 की बात करना चालू कर दूंगा, पर इस वो जब ब्रेकआउट आएगा तब मेरा स्टॉप लॉस 1825 का होगा, उसके ऊपर ही लेना चाहिए, उसके पहले नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आज एक्साइड का स्टॉक देखिए, इनफैक्ट इसके साथ साथ अमरा राजा, दोनों स्टॉक में 2% से ज्यादा की गिरावट है। एक्साइड में तो आज खबर भी थी, इन्होंने एक ई रिक्शा लॉन्च किया है नियो के नाम से, उसके बावजूद भी देखिए स्टॉक 2.5% नीचे है। सिमी जी, आप अगर एक्साइड के चार्ट देख पाए यहाँ पे, अच्छा सिमी हमारे साथ नहीं है, वागले जी अगर आप एक्साइड के चार्ट देख पाए यहाँ पे, आपको लगता है कि दमखम है, कुछ करंट दिखेगा इस शेयर में आगे?
संदीप मुझे तो वीकनेस दिखता है, अगर ये स्विंग लो ब्रेक करता है 182 का, 182 181 का, तो फिर ये 170 172 तक जा सकता है, तो स्ट्रेंथ तो मुझे दिखती नहीं है। ओके, तो मजबूती तो कम ही है, लेकिन ये एक और इसमें जो डे हाइपर निफ्टी बंद हो रहा है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लोजिंग बहुत तगड़ी होती दिख रही है, 11,481 का है आज। हाँ सिमी जी, अच्छा सिमी जी जुड़े, उससे पहले मैं जल्दी से एक बार किरण जी को पूछूं। किरण जी 11,500 के पार कल हो जाएंगे क्या? जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है मेरा मानना है कि करना चाहिए, पर अभी भी 11,500 के जो कॉल राइटर्स है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है कि ऊपर के लेवल में शिफ्ट होते नजर नहीं आ रहे, तो मेरा मानना है कि कल फर्स्ट आधे घंटे में अगर वो शिफ्टिंग देखने को मिलेगी तो मेरा कन्विक्शन बढ़ता नजर आएगा और फिर 600-650 की बात करना चालू कर दूंगा। पर जब ये जैसे 11,400 के करीब जो टशन चल रही थी, ऐसे ही कुछ मूवमेंट आपको 11,500 के करीब देखने को मिल रही है, पर इवेंचुअली क्रॉस कर देना चाहिए जो कि हमने आज 11,400 के लेवल सपोर्ट ले लिए। ठीक है बागले जी, आखिरी सवाल है आपसे, बीपीसीएल आज काफी अच्छा चला है, ट्रिगर वही है विनिवेश वाला, कौन कौन लेंगे फिर से 600 के ऊपर आ गया? संदीप कॉनकॉर का मेरे लिए एक बाय है, मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर बाय करके चले, मुझे लगता है ये 660-670 पोजिशनली मेरा व्यू होगा, एक दो दिन का नहीं, अगर आप एक दो हफ्ते लेते हैं, और इसमें आपका स्टॉप लॉस 590 का होना चाहिए, 15-17-20 रुपए की रिस्क ले ले, 50-55 रुपए अपसाइड आपको मिलने चाहिए अगले एक से दो हफ्ते के व्यू से। 590 आपका स्टॉप लॉस है, ऊपर में 670 तक के टारगेट भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच मार्केट आप देखिए डे हाई के आसपास क्लोजिंग होने की तैयारी है, 43 अंक के गेंस हैं, 11,471 का लेवल आपको निफ्टी पर नजर आएगा, सेंसेक्स में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी है, लो लेवल से शानदार रिकवरी है, 38,625 के आसपास के लेवल देखने को मिल रहे हैं, और निफ्टी बैंक भी फ्लैट बंद होने की तैयारी में है। अच्छी बात यह है कि 28,500 के ऊपर के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, 550 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए ये अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने आ चुकी है, अच्छी क्लोजिंग है 11,471 की, बड़ी कही जाएगी, ठीक है ना? शानदार। बैंक निफ्टी भी ऐसा खराब नहीं बोलेंगे, सिर्फ फ्लैट बंद हुआ है, थोड़ा सा लाल निशान में रहेगा बंद होते होते, और सेंसेक्स सेंचुरी मार्कर बंद हुआ है 114 पॉइंट, थोड़ा सा थोड़ी देर में ये सेटल हो जाएगा, हम बताएंगे आपको किस तरह, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे बंद हुआ है, वेदांता हिंडालको जैसे मेटल स्टॉक्स आज कमजोर हो गए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, एशियन पेंट्स एनटीपीसी आईटीसी जैसे शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। तो बड़ा क्या है, सरकारी कंपनियां बीपीसीएल 4.5% मजबूत, ONGC ये स्टॉक हैं जो मजबूती के साथ बंद हुए हैं, बजाज फाइनेंस ग्रासिम यस बैंक जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आज होती हुई नजर आई है, ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर मजबूती परफेक्ट होती हुई दिखी। वायदा कारोबार में आइए, कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में, इंडिया बुल्स 14% 13.5% नीचे जाकर बंद हुआ, माय गॉड बहुत मार पड़ी थी, 157 पर आई है, M&M फाइनेंस 4% नीचे, टोरेंट फार्मा 3% नीचे बंद हुआ है, फेडरल बैंक नतीजों के बाद कमजोर रहा है 3% का नुकसान, मजबूत क्या है बीपीसीएल 4% ऊपर, जी 4% ऊपर, बजाज फाइनेंस 4% ऊपर, और अशोक लेलैंड भी 3.5% ऊपर, ये मजबूत बंद होते हुए दिखे आज के सेशन में। आइए बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ खास है बता दें आपको, आज वर्ल्ड फूड डे है, खाना खाने का फूड डे, और आज ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट भी आई जिसमें 117 देशों में भारत 102वें स्थान पर है, यानी कि हमारे देश का एक बड़ा तबका बड़ी आबादी भूखी है। सवाल यह है कि इतनी सारी योजनाओं के बाद ऐसी हालत है क्यों, इसी पर आपकी खबर आपका फायदा में, देखिए थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। नाम कैसे लगे? तो शो कर है ना, एकदम शानदार है, जरूरत तो बहुत ज्यादा लग रही है जिस हिसाब से थोड़ा है, प्लेट में थोड़ा सा खिचड़ी दिख रही, चावल और थोड़ा सा रायता, दाल गायब है थोड़ी, दाल गायब है, ओके ये सब काम आपने के किए हुए तुझे ऐसा लगा है। इसमें हम ये आपको बताएंगे कि सरकार तो अपना काम करेगी, क्या आपकी और हमारी भी इसमें कोई भूमिका हो सकती है, यदि हाँ तो क्या और कितनी और कैसे, तो ये जरूर देखिएगा, बेहद इंटरेस्टिंग शो है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, शाम 6 बजे और रात को 8 बजे देश की बात, सबसे अहम सबसे जटिल और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर पूरे देश की नजर है, अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद पर अंतिम सुनवाई, बार बार सुनवाई पर सख्त सीजेआई, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई
राम मंदिर पर अब खत्म होगी रार, रार यानी कि लड़ाई। ओके, सुनवाई के बाद अब है फैसले का इंतजार। रात को 8 बजे देखिए देश की बात, आखिरी सुनवाई शुभ घड़ी आएगी। चलो, रिजल्ट आने की घड़ी है, जो भी आए रिजल्ट आए, यह है आजाद देश की बात। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं। 16 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 28,538 पर। कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, 11,464 पर बंद हुआ है निफ्टी 35 अंकों के फायदों के साथ और 92 अंकों की तेजी के साथ। सेंसेक्स ने लगातार चौथे दिन चौका मारा है तेजी का। ठीक है, परफेक्ट, ओके, सवा समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल जी, राकेश जी और चोपड़ा साहब, तीनों हमारे दिल्ली वाले मेहमानों को। अच्छा सिमी जी, सब बार बार हम सवाल पूछे थे क्लोजिंग में, बहुत कोलकाता में बारिश हो रही है जबरदस्त, तो सिमी जी का लिंक टूट गया तो, लेकिन बारिश जबरदस्त हो रही है। अच्छा कुणाल, किरण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और वागले साहब आपका भी मुंबई से बहुत बहुत शुक्रिया।